दास्तान सुना जाता है कि जोधपुर रियासत में राजा जोधनाथ राज किया करते थे। घर में कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी जिसका नाम रूपाणी, ये बताते हैं परमात्मा की मेहर फिरी, बड़ी रानी रूपाणी का गर्भ ठहर जाता है। 6 महीने का गर्भ पेट में था। एक रोज बताते हैं राजा जोधनाथ रानी रूपाणी शयन कक्ष में बैठे हुए चौपड़ सार खेल हैं। रात का समय था, जंगल से आवाज आती है। राजा सवाल करते हैं कि रानी जंगल से आवाज आई तने सुनी कि महाराज सुनी? तने बेरा क्या बोलो था कि महाराज मेरे को पता के था कि महाराज ये शेरनी की आवाज थी। राजा हंसने लग जाती नि बोला पागल तने की बेरा क्यों? अरे शेर बोल था। नि बोली नहीं महाराज ये शेरनी की आवाज है। निवला रहे आराम शिकार खेलने जंगलों में जाते हैं, इतना समय हम जंगल में बिताते हैं कि तुम न बताओगे शेर बोलो था खेलने, ये शेर की आवाज थी। हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, हे महाराज शेर नहीं है शेरनी की आवाज थी। राजा गुस्से में आ जाता है। निवला रहे तो ना मेरा तो फालतू ज्ञान हो गया जंगल के बारे में, शेर की आवाज है, हे महाराज शेरनी की आवाज। दोनों बहस हो जाती। निवला तड़का जिसकी ड्यूटी उस द्वारपाल को बुलाया जाएगा, उससे शनाखत करवाई जाएगी। उस तब उस जंगल रात में क्या बोला था? अर्जुन से भी झूठ पागी। गुस्से में आदेश सुना दिया, उस समय दसोठे में जाना पड़ेगा, उसी को 12 साल का दसोठा मिलेगा। ये बताते हैं कुछ समय बातचीत करते रहे, दोनों में जिद हो जाती है। राजा सो गया, रानी की आंख नहीं लगी। और रात में उठ के द्वारपाल के पास जाती कि भाई रे जंगल से आवाज आई तने सुनी कि महारानी सुनी? क्या की आवाज थी? कि महारानी एक शेरनी बोल रही थी। रानी बड़ी खुश होती है कि तुम शरत जीत गई। और 5-7-10 कदम चाली फिर बुद्धि में बात आती, क्या तड़का राजा इसने दरबार में बुलाओगा? अरे ठोक का गवाही देगा महाराज राय इतने शेरनी बोले थी। राजा शरत हार जाएगा, दसोठे में चला जाएगा, सारे राज का सत्यानाश हो जाएगा, निशा मारेगा। वापिस आती है, भाई रे कल तेरे को दरबार में बुलाया जा, तेरे से बात पूछी जा, तेने एक ही जवाब देना कि महाराज राय इतने शेर बोले था। अब उस द्वारपाल को ज्ञान नहीं था कि जद क्या की। अगली रोज द्वारपाल को बुलाया जाता है कि भाई रात में तुम जंगल से आवाज आई सुनी कि महाराज सुनी? क्या की आवाज थी? इब्राहिम कोरस कराए रखा था, निवला जी शेर बोल था। राजा बड़ा खुश होता है, छोड़ के सिंहासन महलों की तरफ जाता है। और रानी बैठी, निवला रानी तैयार हो ले, क्या क्या ताई कि आप शरत हार चुकी हो और शरत के मुताबिक आपको 12 साल का दसोठा दिया जाएगा। ये बताते हैं 6 महीने की गर्भवती थी, उसको दसोठे में भेज दिया जाता है। वो जंगल में चली जाती है और एक ऋषि की कुटिया पर आश्रय ले लेती। ऋषि ने अपनी बेटी की समान मान के कुटिया पर रखा। आने वाला बेटी कद न्यूज होते अग बाबा जी इतनी रसोई चलाओगा, हमने काट दिए लकड़ी काट जंगल से और अपना बेचकर अपना पेट गुजारा कर लेना, रहने को 36 कुटिया में आप रह सकती हो। लकड़ी काट कर रानी रूपाणी गुजारा करना शुरू कर देती है। बताते हैं समय आया, उसी कुटिया पर ऋषि की कुटिया पर एक लड़की को जन्म देती। और कुछ समय बीता, ऋषि का देहांत हो जाता है। रानी रूपाणी लकड़ी काटे अपना अपने बच्चे का पेट गुजारा करे। 8 साल उम्र उस लड़के की होगी। एक रोज रानी को भी अपना अंत समय निकट दिखाई देता है। कुटिया में अनपान हुई पड़ी और छोरा खेलता खेलता कुटिया में बढ़िया देख के माँ की हालत को ठोडी का हाथा और माँ अरे के बात निवली बेटा, आज आज मेरे को अपना अंत समय निकट दिखाई देता है, हर तुम्हें काम कर ले। एक बात में क्या कहती है? क्या दर्शा मेरे भी बेटा
बरस होए दसा चढ़ी जनरात सवाई हो गिरे जनरात सवाई हो गिरे मेरे भी बेटा ताप नवाई होगी आठ बरस होए दशा चढ़ी दिन रात सवाई होगी मेरे बेटा तू एक काम कर के तू ये सौदे लेगा के सौदा मंगा लिया क्या कहा ओ कागज कलम कागज कलम है दवात लिया रे कागज कलम है दवात लिया माधोपुर में जाके मृत्यु की जंजीर चुगर दे ये लपट गई तेरी माँ के चोरी जारी मत ना करिए खाइए टूक कमा के नाम दाम और पिता वंशी दादी जबान दू तेरी बाह करे दादी जबान दू बाग अरे उस दिन बाग जाग जाते तो अंत समय जिससे बाप का खून और माँ का दूध लजाजा बिरा सारी उम्र नेक कमाई से रोटी खाइए कागज कलम दवात लिया रे माधोपुर में जाके मृत्यु की जंजीर चुगर दे लिपट गई तेरी माँ के अरे चोरी जारी मत ना करिए रे खाइए टूक कमा के और नाम गाम और पिता वंश ताबीज बांधू माँ के उस दिन भाग जाग जा तेरा जब ब्याह सगाई होगी आठ बरस हो दशा चढ़ी दिन रात सवाई निवलारी माँ बाग जाग्या भी करे हंसने लगी आती है निवली बेटा तू नादान है क्या बाग जाग्या भी करे और बाग बिगड़िया भी करे देखे मैं कद्दे तो लाकड़ी काटने वाली ना थी और कल मेरे एक इशारे पे सौ सौ दासी काम करया करती मेरे बिरा मेरा भाग्य बदलिया मेरा भाग्य पलटिया बिगड़िया आज मन लकड़ी काटनी पड़ी ना मैं कदे के थी पिछले ख्यालों में रानी डूब जाती है और पाछे का चक्कर कर के कहा त्यागी पति की मेरे छूटेगी कदे पड़ द्याम रहा करूं थी घर छूट गया सनंद उठेगी अरे मेरी गेल बनी सो बेटा यात्री तकदीर फूटेगी रे तेरी तकदीर फूटेगी ओ मने ते मिलगी तने भी मिल जा ये तने भी मिल जा कर्म कमाई
आसमान वाले जमीन पर उतर के देखो, आसमान वाले जमीन पर उतर के देखो। होती है क्या जुदाई, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ के देखो, आसमान वाले जमीन पर उतर के देखो, आसमान वाले जमीन पर उतर के देखो। आर्य सहज जितना संस्कार जीव का, सहज जितना संस्कार जीव का, चुग्गा साथ सरजिया से ज्ञान बिना क्यों मूर्ख हो रहा, चितने चिंता अर्जा से शरीर मरे रह अमर आत्मा, बताया कदसी मर जा से ये जीव बंदर, ये कर्म मदारी के बंधन में घिर जा से, के बंधन में घिर जा से। ओए काम कर्म का मेल मिले, काम कर्म का मेल मिले, जब सुखी राही होगी, आठ वर्ष होए दस दिन नाराज सवाई घर होगी रे, नाराज सवाई पड़ाना पड़ेगा। मोक्ष किसी सूरत में नहीं है निवलारी माँ, ये मोक्ष कैसे हो? आखिरी नंबर पे मोक्ष का रास्ता पंडित जी ने बता, मोक्ष क्यों करो हुआ क्या लिखा? वे अंत बताया, वो अंत बताया संतों ने, अंत बताया संतों ने, लेख छोड़ दिए नीचे, भजन करे ते मोक्ष मिले, क्यों भूल में अखियां नीचे, सारे बाद कर एक माली सब गर्व्यान सीचे, सब सृष्टि के रचने वाला वो सबकी डोरी खींचे रे, सबकी डोरी खींचे। श्री नंदलाल लिख दिया वहां पे, नंदलाल लिख दिया वहां पे, अरे हद भर पाई होगी, आठ वर्ष हुए दस दिन नाराज सवाई फिर होगी रे, नाराज सवाई होगी, वो जीव मर गया बेटा का प्रेमाई होगी, आठ वर्ष हुए दस दिन नाराज सवाई फिर होगी रे, नाराज सवाई हो। रानी अपने बच्चे को देती है, बेअंत बताया संतों ने, सब लेख छोड़ दिए नीचे, भजन करे तो मोक्ष मिले, क्यों भूल माखिया नीचे, सारे बाग का एक का माली सब दरम्यान सींचे, सब सृष्टि के रचने वाला सबकी डोरी खींचे, श्री नंदलाल लिख दिया वहां तक हज भरपाई होगी, आठ वर्ष हुए दशाचड़ी दिन रात सवाई होगी। इस मौके पे दादा लक्ष्मीचंद का भजन है, त्रिरूप पानी का ताप से ढार खतरा से बीमार हुई, क्यों कर लाड़ करूं बेटा मैं बोलन तलाचार, सब ने दिया भूप का साथ मेरी ठोश्याम रल की बात, आधी रात लकड़ कचाली वो जीत गया मेरी हार हुई, सब राजमंत्री खड़े लखाऊ मैं तुरुत शहर से बारी।
यो दुख आदम दे गलिया मोटा कुछ मेरा बालक याना छोटा 12 साल का दिया दसोठा तेरी बड़ी कृपा भरतार हुई तने स्वर्गपुरी माग पाऊं जो मैं पति भरता नारी जोर ना चल ला आग कजा के पूतना ना ले जा गेल सजा के चट्ठी लिख दी बांध बुझा कर लिया संभाला होशियार हुई रूपमानी का एक लाल ना दो चेहरा की लार लक्ष्मीचंद किस्मत माड़ी देखी खेली हुई ना फुलवाड़ी देखी जब हाथ पकड़ कर नाड़ी देखी वह बिना जीव बेकार हुई पूत रोमता छोड़ दिया खुद बहुत सागर से चार रानी रूपानी स्वरूप इतनी बात समझा के स्वरूप से धार जाती घोर जंगल बियाबान में अपनी माँ के इस पार्थिव शरीर के पास बैठा वो लड़का विलाप करता है कदे मुद्धि करे कदे शुद्धि करे कदे छाती ने कुट्टा कदे ठोटी आता अरे माँ अरे कुछ तो बोल इस नजारे को पढ़ जिंदर सा क्या लिखा ये रमानस की के पार बसावे जब हर की माया हर ली मानस की के पार बसावे हर की माया फिर ली कृष्ण जी 200 रुपए से मान सम्मान उत्सवजाई करते हैं बार बार धन्यवाद है राजेश जी 100 रुपए से मान सम्मान उत्सवजाई करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद मात मारी ओ मात मारी ओड जड़ी ने लाल राम ने मारा रूपाणी ने भेद खोल के लिख दिया न्यारा न्यारा चट्ठी लिख दी बांध भुजा के पाछे स्वर्ग से धारा अरे नाम गाम और पिता वंश का मतलब खोलिया रे सारा रे नाम गाम पिता वंश का मतलब खोलिया सारा माता कद की पैरन थी माता कद की पैरन थी तन पैर कदे कालिया कई दिन हो गए रोटी न खाई
पानी तक ना पिया मात पिता के बात करे जन ये जीवन में जिया फिर तू ते स्वर्ग शेतार चली तन दुख बेटे दिया तू ते स्वर्ग शेतार चली फिर दुख बेटे दिया फिर रावण का ख्याल छोड़ के फिर रावण का ख्याल छोड़ के लगू खबर दीवर लिए पर मानस की के पार बसावे हर की माया फिर ले काफी नाम पहले 100 रुपए से और छोटे भाई का मान सम्मान हम सब जाए करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद बताते जंगल में लाकड़ी इकट्ठी करके चता का रूप बना दिया अंतिम संस्कार करके उल्टा घर आ गया कुटिया में बड़े बीजल पाटे बरसात का सीजन हो रहा और बाहर लकड़ा रूप पर नमू पड़ रहा वो भी वाह कौन है कौन सा कदे जब ऐसा मौसम आ करता माँ हाथ पकड़ा कर दी बेटा तुम बाहर मत जाइए जेठे बालक पे बिजली पड़ने का डर हो अगर अरे मेरा वो भाग भी नहीं आज या बिजली ये पड़ जा क्या कहा जान गया मैं जान गया कर्मा का हे ठासू बिजली भी ना पड़ती मम्मा का सुत जे ठासू मन ते आगे और के होगा इतना ते दे ठासू अरे लड़के ने न्यू जान नहीं मैं राजा का बेटा सुन के सर के ऊपर लाकड़ी धर ली रे बारस की के पार बसावे हर की माया धर ली साहब जाई करते जी साहब को धन्यवाद दिराना गांव से सुरेश जी 100 रुपए इतने बार बार धन्यवाद आदमी श्री सत्यनारायण शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान साहब जाई करते हैं बार बार धन्यवाद 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 लड़के ने न्यूजान नहीं मैं राजा का बेटा ताज धन के शर के ऊपर तोड़ लाकड़ी धरली के जीव एक लेगा बन मानस की बालक की मामर आखिरी नंबर पे एक ऐसा सौदा हर जीव पर लागू होता मानस मानस नहीं जितने जीव धरती पे के लिखा सतावे सब ने दोनों वक्त सतावे सब ने लागे भूख जगर में मां पिता बा
आई चारा अन्न धन का टोटा घर में इंद्री पाच कमावन खातरी अरन लादी नर में अरे फोड़ लाकड़ी बेचन खातर पहुंचा मधो पर में श्री लक्ष्मी चंद कह सताओ सब ने लाग गए भूख जगर में मात पिता और भाईचारा अंधन का टोटा घर में इंद्री पांच कमाउन खातिर हरन लादी नर में तोड़ लाकड़ी बेचन खातिर पहुंचा माधोपुर में श्री लक्ष्मी चंद के तले बोझ के करड़ी छाती कर ली के जीव एक लेगा बन मंज बालक की मामर भूख से लाग गए भूखा मरे धनी सोच रहे के करेगा जो काम उसकी माँ कराया करती थी लाकड़ी काट के अरलो बिलाल सेठ के यहां डालना शुरू कर देता है। सेठ न्यू ला गया जंगल में रहने वाला अर नदान से गलती तो एक दिन एक लाकड़ी पर रोटियों चंदन की गई थी वा देखी इतने भयानक जंगल में रहा करता और आम आदमी जाया नहीं करता वह लाकड़ी पकड़ी निवल कित लिया निवलिया सेठ जी उड़े तो लिया हूं जंगल में चार तड़ाक दिए निवलिया सारी लाकड़ी ही होनी चाहिए जब कोई रोटी टुक्का मिलेगा या बेकार ठा लिया तो ये ना लिया जिम्मेवारी ला दी आज तो पाछा लाकड़ी लिया तो ये लिया। लड़का चंदन की लाकड़ी काटता है उसने बेरा नहीं लाकड़ियां की कीमत लो बिलाल सेठ का गेर दे दो टाइम की रोटी ले आओ कौन सुने मेरे चक्कर ने लाकड़ियां के फक्कर ने करी ढेरी मेरी गेरी रवे पता लाकड़ियां के लियाए बिना कमाए और खाए बिना ना सरता डरता भरता रे पराए घर ने करी ढेरी मेरी गेरी रवे पता ढोता ढोता मर लिया बांध जुड़ शर धर लिया बरोटा टोटा खोटा रे झुका दे शर ने करी ढेरी मेरी गेरी रवे पता टोटे की बुरी रोण से दुख की सुननिया मेरी कौन से चलिया भाई पाई राई रे फिर माधोपुर ने करी ढेरी मेरी गेरी रवे पता लक्ष्मी चंद छन धरण ते अरिशी मजदूरी करण ते हो काम तमाम राम थाले मुजदुखिया नर ने करी ढेरी मेरी गेरी रवे पता लकड़ी काट के और रोजाना लो बिलाल सेठ के यहाँ डालता रहा समय बीतता चला जाता है। ये बताते हैं सवा छह साल लगातार लाला जी की लकड़ी गेरी जैसे देखना फिल्म आती है फिल्म की नंबरिंग आओगी उसमें न्यू लिखा पाओगे फिल्म का ये नाम या फिल्म इतने रील की है फलाना इसका डायरेक्टर है फलाना इसका प्रोड्यूसर है फलाना फलाना इसमें हीरो है फलानी इसमें हीरोइन है इतने इसमें पात्र है पणजी फिल्म लेकर चल लिया कर दे एक नजारा तो देखा दिया कड़े राजा जोधनाथ रानी रूपाणी देशोठा हो गया जंगल में ऋषि कर रहे ऋषि का देहांत हो गया कुटिया पर बच्चे को जन्म दे दिया एक पार्ट ये हीरो फिल्म का हीरोइन की तरफ चली राजा राय सिंह जिसके दो रानियां बड़ी के गर्भ से भी कन्या का जन्म हुआ छोटी के गर्भ से भी कन्या का जन्म हुआ बड़ी रानी के गर्भ से जो लड़की पैदा हुई उसका नाम बिना रखा जाता है छोटी रानी के गर्भ से जो कन्या पैदा हुई उसका नाम बेला रखा जाता है। दोनों जवान हो चुकी थी बिना थी वह कुछ अलग किस्म की थी वह अपने पढ़ने लिखने में मस्त रहा करती थी पढ़ने लिखने का उसका शौक था और बेला कुछ चंचल स्वभाव की थी वह अपनी सखियों में खेलती कूदती फिरा करती थी। कई रोज हो गए बेला अपनी सखियों के साथ घूमने फिरने जाए एक दिन ने बोली तू तू चल रहे वह तेरी बड्डी वाहन कर दे बिना वो बिना
निवलिया चलो कई दिन हो गए उसने आए आज उसने ले आऊं सारी सखियां मिलके और बीना के पास जाती है और वो पढ़ लाग रही उड़ाए जाके सारी केलोल करें मस्करी करें सखियां के कहें क्या लिखा ये सारी सखियां ए बोले चले रंग चाकी ए बात करी बेहूती बिना भूत गुमाने भरी ए सारी सखियां चले तेरा बात करी ₹100 से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद एक खेल कूद मैं सबका सजा क्या तैं दररी से बालक सी की माँ मर गिनू रोसे मैं भररी से ए ईब तलक के कररी से ए ईब तलक के कररी से ना पाटी ए जान तेरी ए हम सोचे दो घड़ी खेल ले मारी बात नहीं मानी ए चंद्रमासी शनि है चंद्रमासी शनि है तने डब्बे में रोक धरी है पढ़ना लिखना काम बुरा न जका ए ओ दोपहर के सुतरी लाते बिजली क
केसा बेजका हे तड़े घाघरा बावन गजका तड़े घाघरा बावन गजका रेशम की चुंदड़ी हरी है बिना कोट कुमार गुरु सेवा दने हांडे जा बार बार के 24 घंटे पढ़ना लिखना पिंजरे हो जहार के एक कागज में सिर मार मार के कागज में सिर मार मार के तू मर जागी शोक मेरी सखी समझावे श्री लक्ष्मी चंद के गुरु सेवा बिन हांडे जा बार बार के ये रात दिना का पढ़ना लिखना पंजर हो जा हार के कागज मच्छर मार मार के मर जागी शोक मेरी हे बेहुदी बिना तू बहुत गुमान उस बिना को साथ ले जाती बगीचे में झूली गाई खेली वापिस आई राजा राय सिंह ने एक बोर्ड लगवा रखा था आदमी अपने किन कर्मों से पार उतर सकता है एक औरत अपने किन कर्मों से पार उतर सकती है और बेला ने तो वो साइन बोर्ड पर तो मिटा दिया वहां लिख दिया एक आदमी अपने शुभ कर्मों से पार उतर सकता है एक औरत अपने पतिव्रता धर्म से पार उतर सकती है। लिख कर चली गई अगले रोज राजा राय सिंह जब बगीचे में घूमने के लिए आए और नजर पड़ी बोर्ड पे जब दरबार लगाएगा तो मंत्री को बुलाते निवलारे इतना ज्ञानी कौन होया इस राज में जिसने राजा की बात का जवाब लिखा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया महाराज आपकी ज्येष्ठ पुत्री वीना ने जवाब लिखा वीना को बुलाया जाता है कि वीना तने लिखा है जवाब पिताजी मैंने लिखा आए तू राजा के घर में पैदा होगी तो ना बात आ गई जात नहीं शेगा ब्याह दिन जिसके नहान खान में के मना हो फिर तेरा पतिव्रता धर्म कड़े जागा हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ सब तरह से आपके अधीन हूँ जहाँ चाहो आप मेरी शादी कर सकते हो पर होगा वो जो मेरे भाग में लिखा है एक दम आंखों में खून उतर आता है क्या जबान को लगाम दे अपने पिता से राजा से तुम जबान लड़ाती हाथ जोड़े रही पिताजी जबान लड़ाने की कोई बात नहीं पर जीवन का इस दुनिया का ये अटल सत्य है इसके सिवा को रास्ता नहीं वो वहीं से आदेश पारित कर दिया निभले रहे कितना तेज कर्म ले रही हेला कर्म देख लू तेरा आदेश दिया भाई कोई ईशा टोक लियाओ जिसका नहान खान में कुछ भी ना हो और भाई उस गैर मैं वीना की शादी करूंगा फिर देखूंगा कितने पतिव्रता कर्म तक के राज राज सी ठाठ हो गई अरे राजा के घर में इसको बात लड़ाती ये हरीश भाई 100 रुपए से मान सम्मान उपजाई करते हैं बार बार धन्यवाद और मंत्री चारों तरफ चारों दिशाओं में घूम आते ईशा नहीं मिल रहा जिस राजा मांगा था निवला ईशा होना चाहिए जिसका कुछ भी ना हो घाट तक घाट घर बार तो पावे माँ बाप पावे कोई नहीं पाया और निराश होकर वापिस चले पर होटल नहीं आवे निवला रोड़ा जाते हैं राजा बकल तारा का तुम मार लिया ट्राई इस पर भी वो दोनों बोलता पकड़ा पर रोटा गिरवा लिया निवला कौन है भाई निवला भाई कुछ भी ना
कुछ भी ना, तेरा के नाम है कड़े राग रे। उसने जवाब दिया लोगों, क्या कहा? तेरा मेरा नाम नहीं रे कोई, दाम नहीं रे घर, काम नहीं मैं बाण में, खसबोई किसे की मना करता जद कोई, किसे की मना करता जद कोई, कोई साथे नहीं रे सुखी, गात नहीं रे मेरे जात नहीं मैं बाण में, एकला के दुख भोगू सुतना दुख भोगू सुतना, शेत की शेत प्यार नहीं रे तक रार नहीं मेरा कोई, यार नहीं मैं बण में एकला, थरू के नुवन तो भूखा रे प्यासा, थरू मेरी तो भूखा प्यासा, मारू करू फैल नहीं रे रंग, महल नहीं मेरे कोई, गल नहीं मैं बाण में एकला, चेत नुआ कर लेना स शरीर का रेत, नुए कर लेना स शरीर का रेत, खेत बनी परुए नहीं रे रंगी, शुरू नहीं मेरे गुरु नहीं मैं बाण में एकला, चंदा के की चेत नहीं हो कर लेना शरीर का रेत, खेत में बरू नहीं रंग शुरू नहीं, अरे भाई मेरा गुरु नहीं मैं बण में, दोनों छपाई आपस में लखाए नहीं बोला भाई, इस तरह नंगड़ मानस नहीं पाओ, अरे नाम भी कोने दे चाले की बात, नाम ना गाम ना मां ना बाप ना को ठिकाना ना, ओ पकड़ा दोनों बढ़ते पकड़ते नहीं बोला क्या करोगे निवला चाले कड़े चालू कड़े ले जाओगे मने निवला मेरे यार जनानी में लमजा के ठहराऊंगे और चला चाप चुप चाल चल तेरा ब्याह करवाऊंगा, इवसे न्यू बेरा ना ब्याह किस गल कराओगे निवला, आराम खोर को छोरी ये पाओगी और किस गल कराओगे, चाल तेरी शादी कराऊंगा, दोनों बड़ तो पकड़िया आंखों में पानी आ जाता, निवला अरे मन बेरा नहीं सर क्या है का, अरे कदे मेरी गल तुम न्यू कर दो रे के, क्या कहा ये
रे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे ते के मतलब थारा कंगाल मेरे तें ए मतलब थारा पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे तें ए मतलब थारा पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे तें ए मतलब थारा पकड़ मन कद उस साली करते रहे मेरी गैली की साली उदाहरण दिया दादा ने क्या लिखा ओ बेटा तो वरुणी देव से किया हरिचंद ने जुलम कमाल मारना ब्राह्मण सुत धारा इसके मेरी बलि चढ़ाओगे पकड़ मन कितले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे तेरे मतलब थारा पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे तेरे मतलब थारा पकड़ मन कितले जाओगे जी साहब 100 रुपए से और मान सम्मान उपलब्ध करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद सारे रकुता बन सारे की ढाल बाँच के परवाना सारा मारे मन ते सुख पाओगे पकड़ मन कितले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे तेरे मतलब थारा पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे तेरे मतलब थारा पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे ठेकेदार जी 100 रुपए देते बार बार धन्यवाद अनुमान तो छोटा बाजी 100 रुपए से मान सम्मान सजाई करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद ओ मारो कजानी मारियो उसकी मारो कजानी मारियो उसकी माया तभी रिकन जिसकी रजिसकी पूंजी ने कई साल बांट के धन भाई चारा उम्र भर बैठे खाओगे पकड़ मन कितले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे तेरे मतलब थारा पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे तेरे मतलब थारा पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे चंद पूरा स्वाद जी
गरीब का बकश जो करके गरीब का ख्याल दुखी सूं दुनिया पे न्यारा कड़े का मेरा ब्याह करवाओगे पकड़ मने कितने जाओगे भाई रह मैं दुखिया पकड़ मने कितने जाओगे पकड़ मने कितने जाओगे भाई रह मैं दुखिया मतलब थारा पकड़ मने कितने जाओगे पकड़ मने कितने जाओगे राजा के सामने पेश कर दिया महाराज इस कंगला इस नपट आदमी इस नंगड़ आदमी धरती बनाई राजा ने भी सवाल किया रखी से निबला बता तो दिया था निबला के नाम से अरे बता दी थी मैंने मेरा कुछ नहीं से राजा हंसने लग जाती निबला भाई यो सही पाया इस गल पे आऊंगा फिर देखूंगा कितना तेज कर्म ले रही बिना की शादी लकड़ारे के साथ कर दी जाती कोई भी दहेज में कोई चीज नहीं दी एक क्षण कंगन दिया था ना कोई संग की सहेली मिलन दी अरे विदाई की समय पांखों मासू जाके अपनी मौसी जाई बहन बेला को बुलाती है और बुला के लाड करती के लाड करे विदाई के टाइम पे क्या कहती है क्या दर्शा निजात राजा के सामने पेश कर दिया महाराज इस कंगला इस नपट आदमी इस नंगड़ आदमी धरती बनाई राजा ने भी सवाल किया रखी से निबला बता तो दिया था निबला के नाम से अरे बता दी थी मैंने मेरा कुछ नहीं से राजा हंसने लग जाती निबला भाई यो सही पाया इस गल पे आऊंगा फिर देखूंगा कितना तेज कर्म ले रही बिना की शादी लकड़ारे के साथ कर दी जाती कोई भी दहेज में कोई चीज नहीं दी एक क्षण कंगन दिया था ना कोई संग की सहेली मिलन दी अरे विदाई की समय पांखों मासू जाके अपनी मौसी जाई बहन बेला को बुलाती है और बुला के लाड करती के लाड करे विदाई के टाइम पे क्या कहती है क्या दर्शा मोसी जाई आज मैं हो के चली पराई आज मैं हो के चली पराई ए न्यू सो झूठी ब्याही न्यू सो झूठी ब्याही ए साथ चलेंगी मैं भी बिलाने एक प्यार दू हे चाहूं थी मन मिला के हम दो होती पति अकेला ए हम दो होती पति अकेला ए बेला के सारी ए बेला के सारी तू में खेलेंगी मैं भी अपना सोप श्रृंगार दूं Hey!
रही तक दे फेर बहाने उरे हो तेरा कार दू ये एक प्रीतम की प्यारी मैं हे दूजे तेरी इंतजारी मैं हे दूजे तेरी इंतजारी मैं तेरी यादगारी मैं आंसू यादगारी मैं रोज ढलेंगी गाड़ी प्रेम की एक हजार दू लक्ष्मी चंद मेरी नंगा मैं तने मैं देख भरी रंग चाम तने मैं देख भरी रंग चाम तेरे प्यार में बुलाई ते तेरे प्यार में बुलाई ते के तसर घलेंगी मैं भी हीरे रतन जवार दूं लक्ष्मी चंद मेरी नंगा में तन में देख भरी रंग चाम एक तरह ब्याह में बुलाई तक के कसर गलेंगी मैं भी हीरे रतन जो हार दू ये जो बड़ी बहन का फर्ज होता है बाबू मन बुलाई और चाहे ना मन बेरा भी पाट गया ना तेरे ब्याह का देखे धूम धड़ाक के ताऊंगी जो बड़ी बहन का फर्ज होता है वे सारे पुगाऊंगी और लकड़हारे के साथ चल पड़ती है उड़ा दा डरा रहा बोल रहे ना और जब नगर ते लिखड़ लिए सहज सहज नहीं बोलिया देखे राजा की लड़की कड़े चाल लगी कि महाराज कड़े चाल लूंगी तेरे पल्ल ला दी जड़े तू जागा तेरी गैल गैल सू ने बोला मेरा कौन सा गुड़गा में फ्लैट है कड़े जागी बावली मेरी गलियां तो तंग पाओगी मैं तेरा तो घर भी बहुत बड़ा मैं देख आया हम नौकर चाकर टहल करें तू तो बड़े रंग ठाट से पड़ी और मेरी गैल की जागी दुख पाओगी एक बात में लकड़हारा क्या कहता है क्या दर्शन ओ मकरी आदमी निर्धनी बंदा पैसे बन खाली अरे आगे के बेरा हके दुख होगा तू किसकी गैला साली ओ आदमी मेरा धन मेरा धन पैसे बन खाली आगे के आगे होगा मेरा किसकी गैला चाल ओ गरीब आदमी मेरा धन बंदा मेरा धन पैसे बन खाली आगे बे मेरा के दुख होगा किसकी गैला चाल ओ आगे के आगे दुख किसकी गैला चाल अभी ना जितनी उड़ा तेरे राजमहल में मन छोरी देखी ना मेरे ख्याल में सब तो भूडा भाग तेरा है हे महाराज क्या थे क्या देखे जिसका जोड़ा नहीं हो आग रहे उसकी संसार हंसी करे आग रहे और बिना मन लागता नहीं तेरा मेरा जोड़ा है पिया जी क्या थे तुम महलों में पड़ी अरे मेरा ठोट ठिकाना है नहीं और मन भी शक लग गए एक बात में के मर्द की उम्र फालतू होनी चाहिए मन ऐसा लागू उम्र में भी रोड़ा हे महाराज आपकी कितनी उम्र है
हाथ जोड़े खड़ा निवला दे रहा है ना निवली फेर क्यों कर अंदाजा हो निवला मेरी माँ मरी जब न्यू का दिया 8 साल की उम्र बताओ थी मेरी जमन 8 साल का बताओ थी अरुम पानिया जमन लाकड़ी गेरे अगर माँ मरे पाछ गे लग गया था पूरा लोग न्यू कह भाई इसमें 6 साल हो गए लाकड़ी गेरते इब तुम देख ले मकई बरस का हो निवली महाराज आपकी उम्र 14 साल की और निवला तेरी निवली मेरी 18 साल की उम्र निवला 14 बड्डा का 18 हे महाराज 18 बड्डा निवला फिर तू बड्डी हुई कि हाँ मैं बड़ी हूँ निवला फिर जोड़ा कौन है क्या था क्या कहा भाग लखा लिया खोटा उस रानी का के जीना हो जिसका बलम छोटा फिर सासर रजोटा जब हो मरम लोटा इसे मर्द के तू पल्ले ला दी अनवस्त्र कटोटा बांध कांगना साम भर के बांध कांगना सब जाई करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद शाना कोन्या नाम गाम योर पिता वंश का मतलब जाना कोन्या थरू दलदरी इस दुनिया में मेरा थोड़ ठकाना कोन्या थरू भरमता बेमता ने थरू भरमता तू बेमता ने तू घड़ी बैठ कर थाली वो आगे के मेरा दिल होगा किसकी ओ निर्धन बंदा निर्धन बंदे धन खाली आज कल याद कुछ रहता नहीं बस एक आपकी याद आने आज कल याद ओ रे ओ बस एक आप याद वो याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जान के वो आज कल याद ओ रे ता नहीं एक बस आप की याद एक बात का अपनी बेटी के प्रति क्या फर्ज होता है दादा ने वो दर्शाया क्या लिखा उलटी फिर चमका से गुप्त जखम शेखाने का रानी का के काम पलंग तले तले पैर के करने का बाप के जुम्मे लायक वर देखने का जान बूझ तेरा बाप डूब गया जान बूझ तेरा बाप डूब गया तू निर्धन के संग गाली भाग के मेरा के तो किसकी गया चाली ओ गरीब आदमी
निर्धन बंदा मेरा धन पैसे धन खाली हो आजा आई बाहर दिल है बेकरार ओ मेरे राज तू ते दिन रहा न जाए आजा आई बाहर दिल है बेकरार ओ मेरे राज कुमार ओ तेरे बिन रहा न जाए आजा आज दुनिया रुक के मारे रे फलाने रे छोरा ब्याह जो हो रहा ब्याह लेने ना भाई छोरा पाया पे खड़ा हो जाएगा जब ब्याहूंगा मतलब रोजगार शर लग गए जब शादी करूंगा वो जब वो अच्छा लग गए और दादा ने उस टाइम बता रहा कि ब्याह कद करना चाहिए गया था सगाई वाला धोनी बड्डी हेली खड़ी दो ट्रैक्टर खड़े 50 किले एक छोरा उड़ जा राम राम दी चोरी साहब राम राम जी टड़पड़ा हुआ बोले राम राम बोले रास्ता करना है हूँ छोरेगा बोले भाई रास्ता तो इबल लेता कौन है मैं निबला के बात निबला ना इब बालक से निबला छोरे अंत देखा तू छोरा बुला दिया छोरा घना बूंदा सुगला नहारा ना धोरा ना आड़ा उठा पर का मुंह पर का को 10 मक्खी बैठी उन्हें देखते हैं सुगी सी मान गया हो रे तेरी गाजर पर की छोरी हो सुगला कड़े ब्याह होगा छोरे ने देखा जी नहीं कर किल्ला ना ट्रैक्टर ने रे लीन देखा जी टल पड़ा छोरी साहब ऊं तो मुंह फेर लिया ले लेने रास्ता तू इसका मुंह फेर रहा हाथ हाथ करे ले लेने इसका रास्ता निबला भाई बल्यू को ने बालक से निबला ले ले तू निबला ना भाई बल्यू को ने बालक से बोला बालक से बोला हाँ बोला गाबर होगा इतना मक्खी खा जाएंगे फिर क्या कर लिया ओ ये सच्ची बात चोरी हो चोरी भी कर ले थोड़ ठकाना लकड़न न मोरी हो तोड़ कड़र दूसला संग छली गोरी हो जब करना चाहिए संग में माया की बोरी हो श्री लक्ष्मी चंद के ब्याना सजता लक्ष्मी चंद के ब्याना सजता रखे दुखी कंगाली निर्धन बंदा निर्धन पैसे बिन खाली आगे के मेरा खेल वो तो किसकी गलना चाली आगे के मेरा खेल वो की गलना चाली बखत पे कह दे इसम के चोरी हो चोरी भी कर ले मानस चोरी भी कर लिया तो ठोट ठिकाना की लकड़ न मोरी हो घोड़ा जोड़ा कड़ा दुसाला संग छली गोरी हो और ब्याज करना चाहिए संग में माया की गोरी हो श्री लक्ष्मी चंद का ब्याह ना सजता जब राख के दुखी कंगाली आगे के बरा के दुख हो तुम किसकी गलियां चली तुम घर हाथ चली जा महाराज न्यू ब्याह के लिया था मना घर आए जान खाते घर हाँ तुम थी ना न्यू लाउड टोटे हम दुख पाओगी क्या टोटे ना भूख देना मत तेरे चेहरे देख देख मर ली एक बात तुम बिना कहे क्या कहती है जी चंदर मासी प्यारी लगे बोली बोली शान तेरी बोली बोली शान तेरी और छक्का छोड़न फे तो टेका तू मांगे पे जान तेरी चंदर मासी प्यारी लगे भोली भोली जान तेरी भोली भोली जान
लाल तेरी खटका छोड़ न फेटो टेका छोटी ना क्या है जोगी सजन में बहत बनू तू रोगी सजन में बहत बनू तू रोगी देख लिए कुछ जन्म होगी इस दुनिया के मेहमान दुनिया के मेहमान तेरी खटका 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 छोड़ न फेटो टेका तू मांगे दे जान दे सजन में शेर मिलू तुझ मन में सजन में शेर मिलू तुझे मन में मत घबरावे बारे पन में मत घबरावे बारे पन में गलिया बहु जवान तेरी गलिया बहु जवान तेरी खटका 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 छोड़ न फेटो टेका तू मांगे ते जान समझ के जागे तेरे बिन ना मेरी दहशत भागे तेरे बिन ना मेरी दहशत भागे जी ठीक है तू उम्र में मेरे से छोटा है पर तन्यु वेरा तुमन किसा के लागे किसा तेरे बिन ना मेरी दहशत भागे मेरा मन है तू राम बराबर लागे मन है तू राम बराबर लागे सक उम्र नदान तेरी उम्र नदान तेरी खटका 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 छोड़ न फेटो टेका तू मांगे ते जान चंद्रमासी प्यारे लगे भोली भोली यार भोली भोली जान तेरी खटका छोड़ न फेटो टेका तू मांगे लखमी चंद के छंद धर लूंगी बमत घूट सबर भर लूंगी घूट सबर भर लूंगी या जी परमात्मा तो एक दुआ है मेरी के टोटे न फिर फूक दे यो बोल उसका समझ में आओगा जिसके घर धनी वीर की कीमत बनती होगी अर्जुन का जूत बाजता होगा उसका समझ में नहीं आओगी कदे उसागर हो सारी अणदांदरे पड़ा हंसते आओ बूढ़ा बार निवलारा राम खरो गाल का घर कदे वीरबानी दांत पाड़े कदे तू पाड़े शर्म नहीं आती निवला दादा तुम बेरा को असली बात का के बोले अमरी बो मेरा चप्पल मारिया कर निवला बैठ चा दासन की बात है शर्माण की बात निवला तन न्यू उतना बेरा वो मेरा चप्पल मारिया करे जल लाग जा तो वहां सरना लगत मैं हंसन सारी आना सा जड़ा चप्पल चाल होगा समझ में नहीं आओगी समझ में उसका आओगी इसके घर प्रेम होगा परमात्मा से मैं एक ही दुआ करती हूँ के दीप मैं घूट सबर भर लूंगी तेरा अपने भर पाए कर लूंगी अपने भर पाए कर लूंगी या लाओ उम्र भगवान तेरी भगवान तेरी खटका 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 छोड़ न फेटो टेका तू मांगे ते जान चंद्रमासी प्यारी लगे मेरा भोली भोली जान तेरे भोली भोली जान तेरे खटका छोड़ न फेटो टेका तू मांगे ते जान चंद्रमासी
चंद के छंद धर लूंगी, इब मैं बहुत सबर भर लूंगी, अपने भर पाए कर लूंगी, लाओ उम्र भगवान तेरी, खटका छोड़ना फिर टूटेगा तू मंगत जान। इतना प्रेम बिना न करया लकड़ हरी की आंखें भराती, बोला बिना तू चल दस है मुन्ने डर लग गए, क्या कहा बिना चल दस है मुन्ने डर लग गए, पिया जी क्या डर लग गया, हम गेल रही गैल है जब डर लग गया ना तो ठाक तो रहा करता, फिर तो डर क्या कहा है रोवेगी बन खंड में तने घर पार चाहिए दुखिया कंगाल तने परिवार चाहिएगा सूरा के कर ले दन शस्त्र, वो सूरा के कर ले दन शस्त्र ना देखे तने यही चीज चाहूंगी उड़े, सूरा के कर ले दन शस्त्र नटू मठे करी गैन हवस्तर, तू मठे करी गैन हवस्तर शंगार चाहिएगा रतन चढ़ाऊ नौलख कर का आर चाहिएगा की उम्र तमाम, वो दुख में भी तकी उम्र तमाम, फिर फेरे बछेरी सरे आमतने, वो फेरे बछेरी सरे आमतने असवार चाहिएगा मन तन की पूजन आला कलदार चाहिएगा एक बच्चा सू मैं ते एक बच्चा सू तने भरतार चाहिएगा ना बुढ़ा ना बालक मर्द एक सार चाहिएगा तेरा रोवे की बड़खंड मतने दरबार चाहिएगा मैं दुखिया कंगाल तने परिवार चाहिएगा रोवे की बड़खंड मतने करो क्यों कंगलिए संगी जमला हो, करो क्यों कंगलिए सेल जमला तन मान संग का चला, मान संग का चला और मान संग का चला तने होशियार चाहिएगा श्री लक्ष्मी चंद गुरु का ताते कार चाहिएगा फिर रोवेगी बड़खंड मतने दरबार चाहिएगा मैं दुखिया कंगाल तने परिवार चाहिएगा फिर रोवेगी बड़खंड मतने दरबार चाहिएगा फिर मैं दुखिया कंगाल तने परिवार चाहिएगा।
नशा में हूं मैं जी साबी हूं मैं तो बुरा चाहे अच्छा सूं वक्त पर कहन आला सच्चा सूं अरे मैं तो एक बच्चा सूं तन वरतार चाहिएगा ना बुढ़ा ना बालक मर्द एक शार चाहिएगा मेरे धोरे ना दमड़ी ढिला करो किसा कंगले गैल झमेला तन मान शंका चिल्ला एक होशियार चाहिएगा लक्ष्मी चंद गुरु का ताबेदार चाहिएगा किए करेगी उड़े भैया जी मैं एक पति वरता औरत हूं और मेरे बाप ने अग्नि के साथ फेरे तेरे साथ दिवाए तू दुख मरेगा दुखी रह लूंगी सुख मरेगा सुखी रह लूंगी पति वरता जीवन में एक बार पति चुनती और मैंने चुन लिया के नहीं माने के मानने का तो सवाल है कौन है रहूंगी तेरी गैल निवला तो फिर मेरी गैल रहेगी दाजा कड़े दा वो रास्ता दिख इशारा कर दिया बात में क्या कहता सुन रा संग की हो अरे शुद्धि कुटी की राही रे सुन रा संग की हो शुद्धि कुटी की राही रे सुन रा संग की हो शुद्धि राही रे सुन रा संग की हो खतर शक्कर के सी रोड़ी मिल गई या ना बात पर मक्की छोड़ी या सारस के सी जोड़ी मिल गई या ना बात पर मक्की छोड़ी सारस के सी जोड़ी मिल गई ओए शादी थी जरूरत परे देना ही बरात चले वीर मरद आपस के महा करते हुए बात चले तीसरा न को गेल दोनों मिलके साथ चले तीसरा न को गेल दोनों मिलके साथ चले ओ जाने बूझे तेरा सियाड़े पहल नहीं ताशी बंद करया कर थी वे सियाड़े पहल नहीं ताशी बंद करया कर थी वे सियाड़े पहल नहीं वो कई डाल के मिल से खान में निर्य चण्या की ओया करिए शेर वहेर बोलर बन में सुन सुन जिंदगी खोया करिए ना तो मन तन की बूझनिया सांस मार के सोया करिए बदला सुन रा संग की हो सुती कुटी रे राही रे सुन रा संग की हो सुती
जा और फिर भी लकड़ हारेगा बम लकड़ नहीं रहा बिना तेरा जो कड़ मिला था तेरी शादी कड़ होनी चाहिए थी क्या कहा थे तेरे रंगीले से महलों में जल फूल जूं खेले थे तेरे मखमली फरसों पे चलते पैर भी छले थे मखमली फरसों पे चलते पैर भी छले तेरे नाम दाम और पितर वंश के मतलब नहीं जाने मेरे वस्त्र हैं मलीन देख हटे और पुराने मेरे केला तक भी पास कोन्या पैर भी उगाने मेरे केला तक भी पास कोन्या पैर भी उगाने मेरे अरे पड़ पड़ छाले पड़ पड़ छाले फूटी हाँ जी हनुमान कौशिक जी सौ रुपये से और छोटे भाई का मान सम्मान सब्जाई करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद का मुआ नहीं निर्धन बना खड़ा कदे खेलिया कंगन जुआ नहीं माता नहीं पीता मेरे बहन और बुआ नहीं माता नहीं पीता मेरे बहन और बुआ नहीं लक्ष्मी चंद्र के जहर न पूरी होंगी खास तेरी सतगुरु जी की सेवा करना ओ बुद्धि पास तेरी आज तक के ना करती जय धर्म होती सास तेरी आज तक के ना करती जय धर्म होती सास तेरी अरे एक एक ए भी एक एक ए भी लगा सब अरे चला देख चांद कभी शाही रे सुन राशि की हो सुती तेरा राही रे सुन रास गती हो सुती तेरा राही रे सुन रास गती हो सुती राही नी बोले बात सुन ले हे महाराज कड़े बोले राम नहीं बना रखे और के कोई आओ हड़ मैं शहर मजार हूं दो बार यार राई मेरी बनाई ओड़ पड़ पड़ छाले फूट गए मैं घास बना की गाही राय सुन रहा शंकी शुद्धि कुटी की राय कुटिया बले जा खड़ी कर दी चुगुर रूख रूखे और बेचारा एक ढारा आगे रहा निवली पिया जी के है यो निवला मैं कहूं नहीं था उड़े और कदे निवला रही हो आग मन अपने अपने स्वादा मग अपने उसमें धन खोया है नम्र था ना कम मेरे केसा इस दुनिया में भाग किसे का मुआ नहीं निर्धन बनया खड़िया कदे खेलिया कंगन जुआ नहीं माता नहीं पिता मेरे बहन और बुआ नहीं लक्ष्मी चंद्र टेजा हरन पूरी होंगी ख्वाश तेरी सतगुरु जी की सेवा बिना हो बुद्धि पास तेरी आरता के ना करती जगर मोहती सास तेरी देखिए एक के कैब लगया सब गलियां देख चांद के विषय रेशम राशि की हसुद्धि कुटी गिरा बैठ जा कुटी मड़ मैल नहीं जे और दासी करें थी वैसी टैल नहीं बैठ गई नहीं पिया जी कि मैं भूख से ला गया
जब दिन छपता आया पैदल चल के गई थी, राजा की छोरी थी उस वाके कदे चलती थी इतनी नहीं। पिया जी के मैं भूख सी ला गया ही ने बोले आलू के प्राम ठे लिया दिन हर मैं कहूं धारूड़ा भाखड़ी खाई और कुछ ना दे मैं क्या करूं ही भाई जान की चुकर न लखाई कुछ ना। एक निशानी थी छन कंगन दोष की मां नदी थी हाथ मलिए खड़ी जो लकड़हारा फिर पिया जी आले के छयो के पिया जी छन कंगन है और इसने की तू गिरवी धरिया और इसके बदले में कुछ खाद्य सामग्री कुछ खाने का सामान लेखा। बोला बिना जुलम मत करावे तेरे माँ बाप की एक निशानी तेरे तो रह मैं इसने भी टेक आऊं के टेक आ मेरा मन कहता है मेरी आत्मा मानती है समय फिरेगा मैं इसने भी छुटा के ले आऊंगी तुम देख ये झटका नाटा लगड़ा रहा बिना हाथों ने खड़ी पिया जी मेरी इतनी कमान ली के कहा बिना ने क्या दर्शा ए रबिना बोली शीश झुका के बालम के मन तन की पाके बिना बोली शीश झुका के बालम के मन तन की पाके चाहे जड़े बेच ले जाके छन कंगन मेरी जान से ए रबिना बोली शीश झुका के ओ सजन मेरे तेरे मरुख से बाटूंगी जो सजे का तू सजन मेरे तेरे मरुख से और मुख ते भुंडी बात भाखले अमृत तज विषधार चाखले लुकमा चीज राख ले औरत की के श्यान से ओ छन कंगन मेर जा ए बिना बोली चीज दुखा के पालम के मन तन की पाके ताहे जड़े बेच लिए जाके छन कंगन मेर जा ओ छन कंगन मेर जा हो सेवा करके दोलू दाल और पिछला भाग गया कमल तेरी मेरी जोड़ी कमल मरद दुख सुख में सम्मल मतलब का जहान से
छोले क्यों ना भेद बात का खोले मुझे बनना सरदा बोले डरता डरता मुझे बनना सरदा और पाल मन है समझ है पतिव्रता कमती ना भगवान से बिना बोली सिर से झुका के पाल के मन तन की पत गाय जड़ बेच लिए जाके चंदे चंदन धर के मैं तेरी साझी सुहरे फरक हो चन कंगन के धर के चाटू पतिव्रता बने दुख ने बाटू और जान मांग ले तको न्या नाटू इसका के अनुमान से ओ सनकंगन के बिना बोली सी से दुखा के बाल मक्के मन तन की पाके ताहे जड़े बेच लिए जाके सनकंगन मेरी जान ओ सनकंगन मेरी जान संकंगन का मैं की बात सजन मेरा तेरे में रुख से बांटूंगी जो साझेगा दुख से जो मुख से भूंडी बात भांख ले अमृत तजवीज धार चाख ले पति तो लुकमा चीज राख ले तो औरत की के शान तू टोटिया में मरे मैं छनकंगन ना आठ मना रूं के फायदा होगा क्या करूंगी इसका मेरे लागी परण की लाग सेवा करके धोनू दाग देखे पछला भाग गया कमल मेरी तेरी जोड़ी कमल वीर मरद दुख सुख में शामिल मतलब का जहान से छन कंगन मेरी जान से लक्ष्मी चंद के छंद ने धरके मैत्री साजी सुहर फिर के इस छन कंगन ने धरके चाटू पतिव्रता बन दुख न बाटू और देखे जान मांग ले जब ना नाटू इसका के अनुमान से ले जाए इसने और गहना दे रहिए और कुछ खान की सामग्री लेकर आइए बिना ने जद करी और वो जाके शहर में लोभी लाल शेष तो डर रहे अगुस का जागा तई छन कंगन ने भी राय खेलेगा दो जूत मारेगा और शेष का जाके और वो छन कंगन गहने दे कर कुछ खाने की सामग्री ले आया आटा दाल चावल जो भी उपलब्ध था वो लेकर आया लिया के धर दिया इतने बिना ने चूल्हा तैयार कर लिया पिया जी लिया है के बिना लिया है और देख मैंने चूल्हा तैयार कर दिया घर हो आगरा नहीं हूं घर में चूल्हा जरूरी हो तो चूल्हा बिना बना रखा ने बोला मन ने पानी तत्ता करना था तला मन हालिया करता रोटी सेठ दे देता मन ने के करना था देख मैंने चूल्हा तैयार करया फिर एक कसर रहेगी के चूल्हा भी तैयार हो गया खान की सामग्री भी आ गई पकाऊं क्यों करे तुमको लाकड़ी गोशे के मन लियावन है हाँ बोले लाकड़ी तो मैं रोज ले जा हूं यो तो मेरे बाएं हाथ का काम ही भी लाया और डाक मारी उड़े तो डर न्यू अगर लाला जी जू तुम्हारा करता और लाकड़ी ले जाया करता तुम वे लाकड़ी लेकर चाल चिंता लाला जी राजी हो बिना भी राजी होगी चंदन की लाकड़ी काट लिया सारी अरे लिया के भरोटा गिरा बिना पढ़ी लिखी थी देखा लकड़िया कहीं त्योर पैट गया पिया जी केस है यो के बिना लाकड़ी है लाकड़ी तो है क्या आपको ये पता है इन लकड़ियों की कीमत क्या निवला बिना पता के ये वे लोग वे लाकड़ी हैं जो मेरे को दो वक्त का खाना दिलाती
और लाकड़ी ले जा लाला जी जू तुम्हारे से, और ये लाकड़ी ले जा बड़ी शाबाशी दे, हर दो वक्त का खाना दे। नादान हिसने वेरा ही नहीं पिया जी, ईद तो तेरे में टूक छेद दियो हूँ, तू अपना बढ़िया खाना खा रेस्ट कर आज तो तू, और तड़का है जाना लकड़ियां पर रोटा गेरा जी न्यू कह दिए लाला जी मेरा हिसाब कर दे। निवला मरवाओगे कि मरवाऊंगी नहीं, तेरा हिसाब करवाऊंगी, जा के अगले दिन पर रोटा गेरा। वो तो तड़का वक्त उठा ना बिना वक्त उठाया, कड़ मसल कर नहाया, अच्छी रोटी बना के ब्रेकफास्ट करा के जब खंदाया, और लाकड़ी गेरते निवला लाला जी हिसाब कर दे। बनिया थड़े पर तो बाटिया ने हड़े उचका होते, या भूख किसने मारी तेरे, मेरा तेरा क्या हिसाब, तन लाकड़ी गेर दी मन रोटी दे दी। और पीछे तो मर्दाना वेश धारण करके मर्दाना रूप बना के बिना गिर जुन सी लाकड़ी गेरी हुई लाकड़ी पकड़ ली। लाला जी लाकड़ी के भा दूर का व्यापारी हूं, कई सौ क्विंटल लाकड़ी लूंगा, मैंने पक्का बिल बना के दिए, पक्का बिल मनवा लिया, सौदा तय हो गया। लाला जी मांगा 18 रुपये मन, निवला घनी लाकड़ी लेनी है कई सौ क्विंटल, ठीक ला ली 16 रुपये मन को सौदा फिक्स, सौदा तय हो गया, पक्का लिखित बिल बनवा लिया, भाई यो व्यापारी कितनी लाकड़ी ले इसके 16 रुपये मन लाग दी, वो पक्का बिल बनवा के। और वैश्य समाज की बणिया की सारे इकट्ठे कर लिए, एक जगह इकट्ठे करके वो बिल पेश कर दिया कि इस दुखिया ने 6.25 साल हो गए लाला जी के लाकड़ी गिरते ने, एक पैसा भी वापस बौड़ाया नहीं, और यो पक्का बिल रहा 16 रुपये मन की लाकड़ी कैसे गई बिना। क्या लिखा मेरे धोरे ते हुआ बिना, मैं गई हो मेरे धोरे ते बिना, घड़ी सात मैं गई तेरा फैसला करावण वा चुकड़ा ते मैं गई हो मेरे धोरे ते बिना, घड़ी सात मैं गई तेरा फैसला करावण वा चुकड़ा ते मैं गई तेरे चुकड़ा नत परची तुरत न खाई पूर नत परची तुरत चल खाई फिर मेरे मरज की खास दवाई मेरे मरज की खास दवाई ले हाथ में गई और फैसला वा चुकड़ा तो मैं गई ओ तेरे तोरे दवा बिना घड़ी सात मैं गई सारे बणिया ने कट्ठी कर रही बिल दिखाओ लकड़ी 16 रुपए मन बतलाई हुर ने पर्ची तुरंत लिखाई मेरे मर्ज की खास दवाई ले हाथ में गई बिल दिखाओ 16 रुपए मन की लाकड़ी। और लकड़ा रानी सोचो ओए होए दे जुलम जब तू लाकड़ी लेन लग गया ना, ये बणिया का तो तेल का काम था, तेल बेचा करता, और देख 6.25 साल तू लाकड़ी लियाओ था और के कोई लियाओ था इसके, और देख इन दिनों में धनवान धनाढ्य सेठ हो गया नगर का, सारा तो तेरा काम है, देख 16 रुपये मन की लाकड़ी, और देख तुम ना एकदम काओ आज आज न्यू कह सपरे सिन खेल न कड़वे बोल किसे लगड मेरे कड़वे बोल किसे लगड मेरे अरे गात में गई अरे फैसला
हर गज जाना थोड़ी बात या हर गज जाना थोड़ी और चालनी सी घोड़ी सज के चालनी सी घोड़ी सज के तारा तम गई हेरा फैसला ब्राह्मण वाज कड़ा कम गई हेरा मेरे तोरे प्रवा पिना बड़ जा तम गई काटो ये दुख वे पता के फंदी के काटो दुख वे पता के फंदे मेरी लक्ष्मी चंद की लाज लगने लक्ष्मी चंद की लाज लगने रघुनाथ में गई बिना घड़ी सात में गई फैसला करावणवा चुकड़ात में गई देखना चुकड़ात शब्द लगाया पंडित जी समाज चार भागों में बटा हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मण की होया करती उसने कहा करते सभा अक्षत्रिय की होया करती उसको कहते थे पंचायत वैश्य समाज की बाणिया की जो होया करती उसने कहा करते चुकड़ात और शूद्र समाज की हरिजना की जो होया करती उसने कहा करते बेटोल वो शब्द पंडित जी ने लाया कदे बनिया बीच था तेल आज नू कहे परे सी खेल कड़वे बोलना की शेल गड़ी मेरे गात में गई फैसला कराण वा चुकड़ाए ते मंगे करो गुरु मानसिंह आनंद काटू दुख व्यप्ता के फंद श्री लक्ष्मी चंद की लाग लगन रघुनाथ में गई फैसला कराण वा चुकड़ाए ते मंगे लाखों रुपए ब्याज समेत निकला है कुछ धनमाया सेठ के यहाँ छोड़ दी कुछ धनमाया अपने साथ लेकर दोनों मर्द वीर चल पड़ते हैं और रस्ते में बिना विचार करती है तेरे बाप में इसे का ब्याह थी जिसके नहान खान में कुछ भी नहीं था अरे मेरे भाग में अमीरी लिखी किसने मिटेगा कौन विचार करती हुई चलती है ए! बिना कोई बनता नहीं है माती पति व्रता का धर्म बना रहे छोटा ना रहे
दिया, पतिव्रता का धर्म मना रहे टोटा ना रहने, इसीलिए पंडित जी को श्रेष्ठ कवि माना गया। गुंजास नहीं छोड़ी पैंट का इतनी भी, पतिव्रता का धर्म मना रहे टोटा ना रहने का बोला दादा बेटिए राजा नल कदमयंती थी पतिव्रता ना थी, टोटा क्यों पर आ गया? मदनावत हरिश्चंद्र का पति वर्ता ना थी गे, उसका टोटा क्यों पर आ गया? निवला सुनते लो, अरे टोटा भी आ जा वीर न चाहिए, टोटा भी आ जा वीर न चाहिए, अपनी पत्थर के सी छाती सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता ना है। देखा औरतों ने अपना धर्म छोड़ा, जब भी इस टोटे का सामना करना पड़ा, बोले अरे वीरवानी अपने धर्म पर है कि पतिव्रता धर्म का पालन करके परमात्मा का ठीक नीति से भजन करे, निश्चित है उस घर में टोटा बाजा नहीं था। दूसरे नंबर पे क्या दरखा बढ़ाई वो से, अरे बड़े साल ते ऊपर रोगी अपनी आप दवाई वो से, पीड़ पड़ी मकाम लेने में या कष्ट कमाई वो से, पीड़ पड़ी मकाम लेने में कष्ट कमाई हो से, अरे कमा कमाए ना कोई प्यारा, ना कमाए ना कोई प्यारा, सतगुरु ज्ञान विचार बना कोई बनता, माता हो जन्म देने के ना धर्मा के साथी, वो सतगुरु ज्ञान विचार बना कोई बनता ना, वो सतगुरु ज्ञान विचार बना कोई बनता ना, वो मेरा ही अंजा सब जाई करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और उस ईश्वर की दया से मिल गया, उस ईश्वर की दया से मिल गया, काम मने कर रखा था कमा कमा घर लोभी सेठ का ठाडा भर रखा था, और लकड़ी ढोवन खातिर मने शर करा कर रखा था, और छन कंगन भी छुपा लिया जो गहने धर रखा था, छन कंगन भी छुपा लिया जो गहने धर रखा था, फिर मर्दाना बेस्तार के चार बना कोई बनता ना है, ओ मानता
खरो राख्या था करन्यू बोले क्यों खरे वरमता क्यों जन जो राख्या था लखमी चंद तू काट लिए तन जैसा वो राख्या था लखमी चंद तू काट अरे खेत बता दिया काटन खातर खेत बता दिया काटन खातर अरे दे दी ज्ञान कर राती सतगुरु ज्ञान विस्तार बालकपण में दया ले मन सब दुख रो रख्या था न्यू बोले क्यों फेरे पर हम तारे क्यों जंजो रख्या था लक्ष्मी चंद तुम काट लिए इतने जैसा वो रख्या था खेत बता दिया काटन खातिर दे दी ज्ञान धराती सतगुरु ज्ञान विचार बिना को बनता नहीं है माती बिना विचार करती चली हुई जब राजा के अगर हाथिर देख तेरे बाप ने कड़े व्याहिर देख फिर दिन पलट गई तेरे बाग में जो लिखा हुआ होगा अरे लकड़ा रा आगा के हिरका खड़ा हो गया नहीं बोला बिना गणे रुपये नहीं लिया बनिया के दे नहीं पिया जी कि डक्का मार लिया मारा हक था हमने अपना हक लिया हक तो लिया जे क्या करेगी इन रुपया का पियाजी करने के तो बहुत काम पहला काम आप वो करिए जो आपका धर्म बनता है जो आपका फर्ज बनता है के आपने जकर किया था कि आप और आपकी माँ जो मेरी सास आप एक किसी कुटिया पर रहा करते थे कि रहा करते उसका देहांत तो हुआ जंगल में आपने उसका अंतिम संस्कार किया मिला करया क्या उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया पियाजी सनातन धर्म में जब तक मुक्ति नहीं मानी जाती है जब तक गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित ना हो क्या आपने अस्थियां प्रवाहित की गंगा मैया इस दुनिया में मोक्ष दायिनी लकड़ा रेगा मुंह पाट रहा क्यों उसने न्यू बेरोना गंगा के हो निवला बिना गंगा की से के गंगा का नहीं बेरा निवला क्या है कभी ना बेरा इतना बेरा है ये लाकड़ी है जो दो टाइम की रोटी दवा दे और बेरा नहीं तो बिना बताती है गंगा जी के से क्यों से इस धरती पर क्यों आई कौन लिया क्या आने का कारण होया क्या समझाती है क्या जी ब्रह्म रूप भगि आन जो कैसे इंसानों की वक्ति करण में आई थी रूप भगवान जोत से निकली गंगे माई सतलोक में इंसानों की वक्ति करण रूप भगवान जोत से निकली गंगे माई थी सतलोक सबने आपने सुनी होगी कि सूर्यवंश महाराजा सगट जिसका 60,000 बेटे थे उसने असम में एक यज्ञ करवा दिया शाम का उनको घोड़ा छोड़ दिया तांबे के अक्षरों से लिखवा था भाई सगड़ का घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमेगा जहां से भी घूमे या तो सगड़ की आदिहीनता स्वीकार स्वीकार करो या युद्ध स्वीकार करो घोड़ा सारे का घूमया जो पड्डा सगड़ का घोड़ा फाटे तो सब नडर लागो वो दूर गजा इंद्र भगवान की नजर पड़ती है नहीं तो भाई धरती पर सगड़ सगड़ रहेगा वो लखा के जोर तो नहीं हरा सकता पर कोई तपस्वी अपनी तपस्या के बल से इसको खत्म कर सकता कपिल मुनि भजन में बैठे हुए और न्यून तो सूरज ढलया इंद्र ने घोड़ा पकड़े और कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया 8 रोज बीत गए जब घोड़ा नहीं आया
छोरे नी बतलाओ रे अरे मुछा ने पहनाए खड़ेरो वो घोड़ा तो किसी ने बांध लिया दिखा दे घोड़े की तलाश में फौज लेके निकलते हैं जाके देखे ऋषि तपस्या में बैठे और घोड़ा आश्रम का बाहर बंद रहा देख कहां से देखो रे मोटे की मत सगड़ का घोड़ा बांध रहा और जाके कमर में लात मार देते हैं समाधि टूट गई ऋषि ने गुस्से में धर्मी दृष्टि डाली सबको फूंक कर भस्म कर दिया और जब ना घोड़ा आया ना परिवार आया अपने परिवार की तलाश में सगड़ का पुत्र अंशुमान निकलता है जाके देखा ऋषि आश्रम पर सब भस्म हो पड़े आंखों में पानी आ जाता है हे परमात्मा एक ऋषि के श्राप से ब्राह्मण के श्राप से खत्म हुए इनकी आत्मा भटकेगी हो जाता सारी उम्र बीत की तपस्या करते गंगा नहीं आई मरण का टाइम आया अगली पीढ़ी का जिम्मेवारी ला दी रे जब तक गंगा धरती पर नहीं आओगी और ये अस्थियां हम नहीं बांधेंगे जब तक हमने उसकी तपस्या करनी उसके बदन में बैठना है इस गंगा ने ल्यावन खातिर बड़े बड़े रे तप कर गए ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप करे फिर अंशुमान के पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम 35,000 वर्ष तक गंगा लैणी में जो करके काम फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम पांचवी पीढ़ी में भागीरथ था भागीरथ भी परिवार की रिवाज निभाता है राजपाट छोड़ दिया करने लगे तप घोर 1,000 वर्ष तक तपे चिंता ना थी मन मोर मृत लोक में ल्याऊं गंगा लाया डिचोटी जोर गंगा दहाई नहीं ब्रह्मा जी प्रकट होते ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए मुंह मांगा दिया वरदान अरे गंगा जी भी आ जाएगी पर पहले करो शिव का मान शिव के बिना इस धरती पर कोई डटनिया ना बलवान अरे गंगा न्यू आओगी पहले शंकर को राजी करो एक धारा भी गंगा छोड़ देगी सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी शंकर भगवान की उपासना की जाती शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंगा थी गुमान भरी करने लगी सबको तंग एक बार ऐसा लगे जो शंकर ने विवाह ले लिया क्योंकि मूसलधार वर्षण लगी शिव शंकर दट्यागात बिंदु सार हिमालय पर छोड़ दी धार सात तीन धार पूर्व का नी तीन पश्चिम का निजात सात धाराएं थी तीन पूर्व की तरफ तीन पश्चिम की तरफ एक धारा वचन बनी हुई भागीरथ के पीछे चली पर जब देवता ने कहे गंगा ये परिवार इतने हजार वर्षों से त्रि तपस्या में बैठा इतना धरती पर जाना पड़ेगा और वह हाथ जोड़े खड़ी थी महाराज मेरे को डर लगता है क्या कहा गंगा ने अपना डर देवताओं के सामने रखा देवताओं ने गंगा का डर मिटाया ये कहानी बनी बंदे पार चढ़ावे आगे भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख मिटो जाके तेरा विवाह उतारेंगे ये ऋषि महात्मा नाना के भागीरथ की करनी से भागीरथ की करनी से यत मोक्ष कुटम न पाई थी पुर व्रत लोक में सनो की गति करण ओ धर्म रूप भगवान ज्योत से गंगे माई थी व्रत लोक में सबसे बड़ी उपाधि राजा की और राजा बनने का फार्मूला भी दादा ने बता रहा क्या कितने धक्के खाने की जरूरत नहीं किसी ने इलेक्शन दबने नाम सुना था खट्टर जीवन का पहला इलेक्शन लड़ा सीधा मुख्यमंत्री जिसके दिल में दया का भाव हो वो धर्म करेगा जो धर्म करेगा वो राजा बनेगा जो राजा बनेगा वो नीतियां तय करेगा वे नीतियां तय करेंगी उस राजा को मोक्ष मिलेगा नरक मिलेगा राजू भाई इलेक्शन लड़ना है
जीतेगा वो जो ये काम करेगा। राजा बनने का फार्मूला बता रहा, क्या गौर तो सुन लिया। अंतिम संस्कार किया है, करेगी वो मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं जिसने मेरे सुहाग को जन्म दिया। क्या कहती है, ओ जहां मेरी सासू भस्म हुई थी, जहां मेरी सासू भस्म हुई थी, वो पिया कौन सी धरणी है, फूल उठाए चलो गंगा जी हर दे यही सुमरणी है। ओए दान पुण्य दन पार होना रस्ते में बेतरणी है, गंगे मैया इस दुनिया में जन्म पवित्र करनी है, गंगे मैया इस दुनिया में जन्म पवित्र करनी है। मेरी सासू भी तीरथ के तुल्य, सासू भी मूरत भगवान पंडित जी सावण गांव से काफी नाम पहले 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद। आखिरी नंबर पे धन की 3 गति शास्त्र बताते हैं। पहली गति किसी का धन हो उसका दान करे उत्तम गति कहलाती, किसी का धन बतेरा दान बस का ना हो दूसरी गति जो मध्यम गति कहलाती, इस धन का भोग करे शेषोराम ले ये मध्यम गति कहलाती, और किसी के बस की ना दान करना ना भोग करना तीसरी गति नाश, वो अपने आप हो जाएगा कुछ करने की जरूरत नहीं। धन पमू दे पड़े रही हो हर तीसरी पी डिंबू डेनू कहीं सब पैदा हो यार सारे धन का पहिए ला देगा बैठे बैठे देखें जी पार नहीं पड़ेगा। जो हरी वजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वेद वकील। घर में को हरी बीमारी आ जा को संकट आ जा हर घर की कहानी चाची ताई बुआ बहन छाने दौर जाएंगे दादा देखन के बबलू का बाबू बीमार पड़िया से भैंस ने काटड़ू गेर दिया गान लात मार दी बरकत है कौन है वो के कहेगा जो बीमार है उसके बराबर का सतमजा ले लो पक्षियां दाना गिरया करो गौ माता ना हरिया चारा खवाओ एक गोले का शर काट लो खांड घी भर लो कीड़ नाल जमा करो सनीचर में काले कुत्ते तेल में चौपड़ करो रोटी गिरया करो। बढ़िया लिखा हिंदुस्तान है बुद्धि पर जोर देना हो के
वन युग धर्म करे अगर धर्म की जड़ सदा हरी होती, जिस घर में ये काम होते वहां संकट नहीं आओगा, और संकट आ रहा हो तड़के तय उठते ही यो काम शुरू कर दियो, संकट बाजा नहीं था होगा, छाने दौर जाने की जरूरत नहीं। दादा ने बता रहा कि क्या लिखा है ये मनीष भाई, 200 रुपए से मान सम्मान हिसाब जारी करते हैं, गुजरात में भाई का काम है, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। गुरु मान सिंह, गुरु मान सिंह सब दुख कट जा, गुरु मान सिंह सब दुख कट जा, ईश्वर का गुण गाने से लक्ष्मी चंद कहे दाग धोए जा, श्री गंगा जी मनाने से जो जोड़ जोड़ धन करे जमीन जाते चले जमाने से, चलो पिया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से, ओ चलो पिया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से, नेत्र ऋषि महात्मा कहते आवे, महात्मा कहते आवे क्या तुकी धर्म दवाई थी, सब दुख कट जाए ईश्वर का गुणगाने से, लक्ष्मी चंद के दाग धोए जा श्री गंगा जी में नहाने से, जो जोड़ जोड़ धन करें जमीन में जाते चले जमाने से, चलो पिया श्री गंगा जी के करें दर्शन इसी बहाने से, ऋषि महात्मा कहते आओ कि दुख की धर्म दवाई थी, और दवाई नहीं लोगो, दुख की शरफ धर्म दवाई, नरक लोक में इंसानों की गति करना आई थी, ले जा कर लकड़ा हरे को, अरे फूल ठवा दिए अस्थियां ठाली आने वाली तो मेरी गैल चाल, लकड़ा रे न्यू बेरा ना गंगा किसी पाओगी के होगी, लकड़ हरा गैल जब पहुंचे गंगा पे, गंगा माई पूरे उफान पे जल के लोडे लागते आऊ, और देख के निवले बिना केश आया निवले पिया जी आए तो से गंगा मरेगी, अरे डूब के मरेगी क्या करना आई है, पिया जी अड़े तो करना क्या करना है, जो आपका धर्म बनता है जो आपका फर्ज बनता है के बने से के करना से न्यू करी के ये जिया स्नान करो कुछ स्नान का तरीका बताया दादा ने, आज विदेश जा से गंगा जी नहा, अड़े तो कार में बैठेंगे बोतल अड़े तो ले लियो आगे मिलेगी नहीं, जहां गंगा जी नहा बोतल अड़े तो चाहिए, अमेरिका इंग्लैंड जापान में गंगा जी नहीं, आड़े से
स्नान का तरीका बताया, स्नान करो गंगा जी में, स्नान हो फिर ध्यान करो, नहा धोकर काठ बैठ के कुछ देर परमात्मा का भजन हो, नहा धोकर भजन करके फिर पुण्य दान करो, फिर अपने हाथ से कुछ दान पुण्य कर जा। इस तरीके से जो गंगा का स्नान करता है उसका गंगा स्नान पूर्ण लगता है, अरना तो सिर्फ बाहर है पिया जी। इस तरीके से तू स्नान कर तो ना फल में लगा, कड़े में लगा, आड़ा आड़ा नहीं जाओ उड़ा भी कड़े सरण मारी के लाए बाका रंग हरिया हो मिले पुण्य करिया हो मिले फल फड़े हरिया हो मिले पर लोक समय जाके बढ़िया गोता मारा शीला पानी था छड़बड़ाट उठा एकदम उल्टा बाजा हाथ पकड़ लिया कड़े जागा निमले ना हाथ लिया निमले पियाजी ना हाथ लिया पर जो काम आया हो तो करी के निदे ये बूढ़े नहीं होगा मन नहीं इतनी जगह नहीं छोड़ी नहीं कलम टकने की भी सच्चाई है को माँ के बाबू के दादा दादी के फूल लेकर गया होगा जब वहां जगह भी गा दी और छोड़ के था वो काम कर जो करना है जो तेरा धर्म के करूं न्यू करे सजन मेरी चोरी का भरतार मेरी नारे सती तू मेरे मर्दी जती करो मोक्ष गति जिसके जन्म लिया हो माँ के फूल बा दिए फिर न्यूली पिया जी एक शुद्धिकरण का गोता और मार शुद्धिकरण का गोता फिर मार दिया रानी रूपाणी ने जो कदे ताबीज बांधा था मरण तो पहले तागा बोदा हो लिया था टूट के पड़ गया झपट्टा मार के ठाया हाल ठाते हैं बिना दरोगा ही डालतनी घड़ी पिया जी के ठात ना रे दिन न्यूला बिना कुछ भी ना कुछ भी ना ई उठाया रे सजन मेरे इस गंगे माता ये चीज दई को सही सही मैं बूझ रही जो तने खाली डूब जाते Thank you.
कड़ारा खड़ा था बिना छाती समान जल में उतर गई। पिया जी क्या काटर मान रहा है तेरा मेरा के नाराज है। गंगा जल की चढ़ू भली में हलफ उठाती हूँ, मैं नेम करती हूँ, मैं वचन करती हूँ। क्या कहा के सुखाली भैया के सर की चढ़ू भरी खाई कसम खरी दे चीज तेरी मैं बाजू थी ओ थाके समान जल में खड़े अरवा चलू भर खड़ी गंगा जल की। पिया जी क्या तो डर रहा जिन्हें आख्या में पानी आ गया निवला बिना जुलम हो जाएगा। क्या का जुलम हो जाएगा तने बेरा कोन्या मन के ठाया के ठाया से ये ताबीज फिर इसमें मेरी जात वंश के बारे में मेरा रहस्य छुपा हुआ और तू रान दे नहीं क्या न रान दे तने बेरा कोन्या इसमें केस है ओ बिना डके डकाए ढोल धरे सत तू धरे रहन तेरे तू पछले पाप उबारे सेरे बिना डके डकाए बोंद गांव से बजरंग सिंह जी 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हंसनी चाल रे काजा की बिंदगी लखी हुई भागा की हंसनी चाल रे काजा छाड़े इन ओ अड़े इन बागा की जमरो हरे संत हरे रहण दे रे क्यों फल पत्ते झाड़े सर बिना ओ डके डकाए ओ धरे सर हरे रहण दे रे तू पत्ते साथ का करिए मेरी बात करके मैं मानस सूत्र साथ का समय वो रही समय मेरी जात पात का तोल भरिए सत भरे रहण दे रे क्यों मेरी जात बिगाड़े सर बिना ओ डके डके ओ डके डके रहण दे रे भी नफरत होती है गलना हो जाती है क्या थे इसमें सारा रहस्य। और देखे जब तक मन को था बिना अगर हाथ चली जा और तू गई नहीं और बिना इज्जत तू छोड़ के चली गई तेरे बिना मेरा जी नहीं लगेगा इसमें सारा रहस्य है। मक्के बरा किसे खानदान तो पा जा तू अपने आप से नफरत मान जा किताब पा खोले ये पाप मेरे सर पे उतरेगा नहीं। क्या कहा नीचे
पानी डरेगी किसे कुए में डूब मरेगी अरे तू ओ मेरे मुँह हंसके करगी मैं खोल प्रेम में खरे रहन दे रे क्यों नल्ले मन पाड़े सर बिना सौंप दिया निवला एक बात का ख्याल राखिए के बेरा नहीं इसमें मैं किस वंश से किस जाति से पाऊंगा पर बिना मैं गरीब हूं पर मेरे अंदर को दोष नहीं क्या कहा लखन चंद सहम जीर आसुमत प्याला रंजगम का पी आसु चंद सहम जीर आसुमत प्याला रंजगम का पी आसु परख ले ओ परख ले ईरा सुवन मोल दाम खरे मेरे खरे रहन दे रे क्यों पाता पे हाड़े सर बिना ओ डके डकाए ओ डके लक्ष्मी चंद सहम जी रहसू प्याला रंजगम का पी रहसू परख ले हीरा सु अनमोल दाम मेरे दाम खरे मेरे खरे रहन दे रे क्यों बाटा तहाड़े से बिना ढके ढकाए ढोल धरे से धरे रहन दे रे क्यों पसले पाप उगाड़े से निवले पियाजी तुम मने दिखा दे और बेचन तो जा अरे काम कर के आप किस्ती लेकर आइए गंगा के उस पार भी चलेंगे वहां का मेला भी देखेंगे वहां भी कुछ दान पुण्य करेंगे बस तू यो काम कर लकड़हारा किस्ती लेने के लिए चला जाता है इस बीच में एक और नजारा पंडित जी ने दर्शाया है के दो डाकू जालिम सिंह और विजय सिंह आज भी हैं गोने पीछे आला उसके बड़कन ठा ले जाए फिरौती मांगो अपहरण इतने रुपये भेजना छोड़ेंगे नहीं दो डाकू जालिम सिंह और विजय सिंह नकली राजकुमार बनके राजा राज सिंह के बगीचे में गए थे जो बेला उड़ रह गई थी लकड़ा रेगी साड़ी वह सखियों के साथ आई थी और वे बहला फुसला गए और बेला का अपहरण कर लिया थे ठा ले आए थे बड़का खातिर तक रुपये दे भी दे एक घने पीछे आला था बीरबानी तंग था कि बहु उठा ली अल ठालीर फोन करने बोले पीछे भेज दे 10 करोड़ हूं कोई आशा कले इसके ट्रिया वो क्या ना भेजे था अगले दिन आंगली काट दी आंगली काट के भेजी ने बोले ले सबूत ना जस्ती हो दो के तो 10 करोड़ भेज दे और ना जस्ती होते अन्य सानी तेरी बहू की आंगली उन उल्टी चिट्ठी लिख दी आंगली तो किसी की भी हो सके मुंडी काट के भेज मुंडी जब जसेगी सहक नहीं वाह बेला ठारा की थी वे राजा राय सिंह के जानी दुश्मन थे और ठानी थी बिना भी उड़ा बेरा पट्या वह उसने को नंगड़ ब्याह ले गया कौन ले गया भाई कोई ठानी हो भेद काटते रहे जब वह को लकड़हारा ले गया था बनिया का उड़ा गए उड़ा फिर पंचायत हुई उड़ा और बनिया तो सुराग लाग गया बैठ पंचायत हुई धीरे साहब हो गया और भाई को गंगा जी का चक्कर सा था टोते टोते गंगा जी पहुंच रहे मानस मानस ने पकड़े तू सहे हर लकड़ा किस्ती लेन गया वो चालता देखे तनु डाकू आपस में लखाना देखिए शकल सूरत तो यो आओ फंडा फंडा चालता कदे यो यो ओ पकड़े दोनों बोलते और पकड़ते ओ बोलिया नहीं बोला के बात चार दड़ाक दी बोला भी है कैसे तू हाथ जोड़ दिए राखे पानी पड़े के कह दिया अरे
एक की दारू तो बतलाए दो की चारी दवाई नाड़ पकड़ के आगे कर लिया ईना मानस करके मत खुरकाए बालक सू मेरी जान लकड़ जा डर के गंगा जी के कंठ हरे जी जगह लई से मर के अलम जपन देगा पा गया गाड़ी जो पाया पाया सरके साथ को बैर भी नहीं अरे मैं भी क्यों पकड़िया मेरे भी क्यों मारे। फिर बुद्धि में एक बात आई रही इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बैर से मतलब नहीं होता किसी का बैर हो चाहे ना वे तो और क्या है के चक्कर में हो ये कि तो उस टाइप के आदमी तो ना है कदे नन्नी बेरा पाट गया बनिया के हिसाब हो लिया और घने रुपये लिया रहे हैं कदे वे उस टाइप के लोग हों जो लुटेरे कहलाते हैं मार लो बे सके पर मेरा न्यू समझ माओ जो उसे मानस सोना ओलिया है साहब लाला जी कहते हैं मैं क्या चम ले रहा हूं लेने वाली ले रही है मेरा मारो से ना मारो मधु से जब फेरी से कदे उस चक्कर में पकड़ रहे हो अड़े कुछ नहीं है क्या कहा मेरे धोरे मेरे धोरना ना फूटी कोटी मेरे धोरना फूटी कोटी कमला गुलाल रतन के मैं परदेसी तम परदेसी तीनों तीन वतन के मैं गढ़वाला रह गए दूसरा दोनों एक मथन के अरे धर्म जान गंगा मना लिए तन कर बैल जतन के मेरी दम दस
डाकुआ ने सुनते कान खड़े हुए। मैं गडवाला मेरी गैल दूसरा दोनों एक मथन गए दो गड़ा खोर दिए। बोला दूसरा कौन किसका जिक्र कर रहे तू कौन है दूसरा तेरी गैल। निवला भाई मेरी धर्म पत्नी बिना जिसका नाम न्यू सुनते चर चर और दरी अरे राम खोरी क्या है तू रख बोटे तड़वालिए कह दिन हो गए तेने ढूंढते हन नागरे तेरी तो चक्कर मत थे हम आराम ना तो राय शंकी गैल महाराज बैर अरे बिना के चक्कर महान न दे बैतनी सुनते फिर आख्यात पानी पड़ा निवला रहा मेरा जच्चे थी क्या थे अरे मैं लकड़ी काट के गुजारा करने वाला मेरा आगे नहीं पीछे कोई और मन पकड़ कर ले जा और मेरा राजा की छोरी ब्याहूं और उस दिन मनी सोचूं थार मेरा ही सब आग कड़े जो राजा की छोरी मेरे ब्याह लाग रही मेरे मन में बार बार नहीं दे मानना आधार इस बात में भी कदे न कदे दुख लकड़ेगा आज लकड़े आया क्या कहा जब ठन क्या था माता तेरा जब ठन क्या था जब ब्याह में तो क्या था इसे घर वासे ते तमें कवारा है चोखा था जिंदगी सहज बसर हो जा न्यू दल में धोखा था रज सा काम मेरा बन गया और का बनना ओखा था मेरा बन गया और का बनना ओखा था उड़ बिना हूर ओ बिना हूर तड़प के मर जा ओ चलो हसाई रे एक दारू दो बतलाए दो की प्यार दवाई जबरदस्ती ब्याह रखा हूँ भाई मैं बहुत नाटिया था तुम कौन हो भाई एक निवला मैं डाकू जालिम सिंह और दूसरा निवला मैं डाकू विजय सिंह एकदम लकड़ारा निवला तम सोवे बस अच्छी कहानी आई थी मैंने सुन में अक्तम ने बेला ठा रखी अरे डूब कमर जा इतना साता लकड़ारा निवला भाई ब्याह नहीं हो जाए खरा तमें कवारी छोरी ठाक लिया अरे पागलो मेरे तो रनहान खान में कुछ भी ना था मेरे जिसे कंगले का हो गया देखो खारी तो कोहन को करे दिए धर दर्द के मन के में होएगा अरे ऐसा जो क्रम तुमने पाप किया है एक अबला को उठा के ऐसा क्रम करने वाले को सजा मिलती है तुम न्यू मरोगे राजा राशंग राजा राशंग मैं भाई हो राजा राशंग मैं भाई कर पीना का क्या था ढंग पाने से मेरी गल्ला कर दी मैं बहुत गाना ना क्या था तमने बिलर हूरे उठाई न्यू बेरा पाटा था अरे तमने है भी क्यों ना ब्याह करवाया के माया का घाटा था तमने भी ना ब्याह करवाया के माया का घाटा था कह लखमी चंदे लखमी चंदे अरे कीड़े पड़के कवारी भी रंग साई ये
महाराज सिंह ने भाई गढ़ बीना का काटा था, जनता ने तो गलियां कर दी, मैं बहुत घना नाट्या था, अरे तुमने बेला हूर उठाई मैंने न्यू बेरा पाट्या था, तुमने भी क्यों ना ब्याह करवा के माँ का घाटा था। ऐसा जो काम करते उनकी सजा मुकर्रर है के कहें लक्ष्मी चंद मरो कीड़े पड़ के कवारी वीर ने साई दोनों हाथ पकड़ लिए कशकब कोन्या पार बसा। बाबा मुखराम डेरी से शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ तैयार मिलती हैं, 100 रुपये से पप्पू भाई और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। ले जाकर लकड़हारे को भोहरे में डाल देते हैं और निवला कड़ा बैठी है वा, निवला रवा मेरी बाट में बैठी जाए मेरी इंतजारी में, छोड़ के उसने गंगा के घाट की तरफ दोनों डाकू जालिम सिंह विजय सिंह चल पड़ते हैं और उड़े बताते हैं बिना बैठी। और वे दोनों चाले वो दूर से ही देख के उनको निवली रहे, वे ढूंढते ढूंढते चलेंगे सारी दुनिया घाटा बना नागुलटी जा, और दिन छपन ना आया मेरे आए ना भरतार लादी वार गंगा धार पार का जाना जी, कोट पर किस्ती ले आओगा कोट पर दरी गंगा के पार जाएंगे कोट पर वो मेला देखेंगे, दिन तो छपता आ गया सच जान लाग रहे बिना इंतजारी में बैठी। और वे टोमते टोमते उड़े पहुंचे रहे या हो सके उसकी तरफ चले दूर से भाप जाती निलेरा मेरे नजदीक मत आ जाना मेरे को तुम ठीक आदमी नहीं लगते हो। एक बात में क्या कहती है क्या दर्शा मेरा तो लम्बा चश्मा लड़ गया।
जीवन का बेईमान करो करो चारा अंत समय में नले बुराई होतर काने मुकारा पण मेसर ने दे राख्या मेरा शर पे धणी रुखारा सैचा हो सो खैर जान की फिर करके बोल संभारा का सत्संग तो किसी भले पुरुष को लागे धन सत्संग उपदेश बिना न रहे कागे मान सिंह गुरु भेद बता दो धर्मराज के आगे ना यम के दूत पकड़ के ले जा बता गे थे कित भाग श्री लक्ष्मी चंद के थारे नाम की तार की मिसल धरूंगी बेईमान थारी साथी के मैं टक्कर मारू वे उसको तंग करते रहे और दूसरी तरफ लकड़हारा बोहरी में पड़िया पड़िया शस्क है याद करे कैसे
बता पड़ी लकड़ हारे पे और दया करो गोरी धन हारे पे उड़ गंगा जी के कंठारे पे तेरी चुप कर रात कटे शकली पछानी बहुत जानु प्यार मां की शर्मानी बहुत जानु प्यार मां की शर्मानी अरे इंद्राणी तारा कुलवंती सीता सावतरी सतवंती अल्लाह मदना वत दमयंती इंत न्यारी नहीं छट भोरे के बीच मरे तेरा पति भोरे के बीच मरे ना अरे मैंने कितना इनकार करया मेरी गल दुख पाओगी रे अरे मेरी गल दुख पाओगी रे अदवा एकानी बनी तेरा पति भोरे के बीच मरे तेरी कौन करे खाने पीने की जब तब हु क्यों बनी हीने की बिना तेरे मरने जीने की मन चुप कर जान पत गायो नमत मरोड़ी अरे आज दे गया नमत मरोड़ी अरे घोड़ी बन असवार में हुनी सूरे बन हो जेदा खुनी लक्ष्मी और लुगाई सुनी ये हर गज नहीं डट शुक्र रात ओ रपता पड़ी लंगड़ा हारे पता के फंद वो काटो दुख या पता के फंद श्री लक्ष्मी चंद ये करूं चक्कर में उलटा चढ़ गया चांद शक्कर में बिना गोरी तेरे ठक्कर में मेरा चलवा लहू घट करो गंगा जी के कंठारे
करो गुरु मान सिंह आनंद काटो दुख विपता के ठंड, श्री लक्ष्मी चंद के करूं जकर में उल्टा चढ़िया चांद शकर में, बिना गोरी तेरे फकर में मेरा चलूंगा लोग अरुणा डाकू गहरी दे रे अरुआ दूर से ही धिकारती रहे मेरे पास मताजियो सब नाना के जालिए थे। ये बताते हैं जोधपुर रियासत से राजा जोधनाथ शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। अरुण ने देखा वो अपना उल्टा जा था, एक औरत और दो आदमी घिरी घाल रहे, भाई आदमी मेरे को ठीक नहीं लगते, उड़ जा गए दोनों डाकुओं को वहां से मार भगाते और सवाल करते हैं बेटी कौन जी बिना मेरा नाम, फिर सारा देश नहा के जा लिया तू बड़ा मच्छी पकड़ाई बोर्ड बरता के करे तू चल क्यों ना बने के जी मेरे पति गए मैं उनकी इंतजारी में बैठी हूं कोड़बर का था कि सुबह से शाम होगी मैं उनकी इंतजारी में बैठी हुई हे बावली डन छप्पन ना आया के बेरा वो किसा होगा तुना छोटना आ रहा देखे गंगा जी बाबू मन बहुत बदल ले जाए क्या बरा उसके जीवन नहीं हो उतना छोड़ के जान की सोच रहा हो हंसने लग जाती है निहुली जी आपको पता नहीं वो तो बड़ा नादान मेरे से बड़ा प्रेम करने वाला है वो कितन की तार टक रहा है मैं उसकी बात में हे बावली एक दिन छपता हुआ अरे त्रियोरत की जात त्रिजित का को घाक हो जाएगा और तुम मेरी गैल चाल एक बात में समझाते न तो दिन छपता हो जाए और देखे जो जो अंधेरा होगा वो जोड़ा भी बहुत दिखेगा क्या कहते हैं गंगा जी के खोरा के महान तन मुर्दे दिखे कोई जात बिगाड़े या दुनिया लूटू नहीं फेरिया से एक पोटे मनसा रिंदा से भरिया से मत जासू देख लिए तेरा सब सामान धरिया से वो सब सामान धरिया से नतल लुच्चे गुंडे चोर उचके साले मानी नहीं फिर नीला बेटी ये रात होने को और मेरा धर्म नहीं बनता मैं किसे
और जाति के पास महाराज के समय रुकूं, बेटी अपना सामान संभाल ले, कहे न्यूका देव घोड़े वाला आधार मेरा सामान खा लेगा दूसरे नंबर में, और चल तुमने ईसा उसा मत रहिए, मैं रियासत का राजा हूँ, अपनी धर्म की बेटी बना के लेके चल लूंगा दूसरे नंबर पे। क्या कहा में बता के काम मेरा से गौ गंगे गायत्री के सा बहु बेटी दाम मेरा से ये सब रैयत की रक्षा करते रक्षक राम मेरा से और धर्म समझ के रक्षा करते यो छतरी नाम मेरा से छतरी नाम मेरा से पतिव्रता गाए पतिव्रता का धर्म संगाती ना कोई चाचा ताऊ कौन सनी पी तेरा ओ जंगल के मां भोग लुटे सुनना तक तेरा ओ तेरा पति तेरे पास नहीं तन दिखे गोरा तेरा अड़ा पाड़ पाड़ के आवे खान ने पाड़ पाड़ के आवे खान ने झूंड वो झड़िए जाऊ तू भाई भाई करता ओ किस कुण पे के मोह में फस नर खूब कमाई करता मरती बरिया बंदे की एक धर्म सहाई करता धर्म सहाई करता खाली हाथ खाली हाथ चले जा रे जा ये झूठे लोग श्री लक्ष्मी चंद क्यों सतगुरु आग घनी अंगाई करता मात पिता से बुआ बहन तू भाई भाई करता इस कुंबे के मुंह में फंस नर खूब कमाई करता
पर मरती बरिया बंदे की एक धर्म सहाई करता खाली हाथ चले जा रहे जय झूठे लोग बटाऊ गैर मेले को जात बिगाड़ा है दुनिया लुटू ये चलना तुमरे साथ चल ईसा उषा मतला लिए ठोर ठिकाने का मानस हूं धर्म की बेटी बना के लेके चलूंगा के जी आप कौन अरे मैं जोधपुर रियासत का राजा और जोधानाथ मेरा नाम वो इतना बोल सुनते करनाटा उठेगा क्या वो तवीज खोल लिया था जिसमें रानी रूपाणी ने लिखा था ये लड़का मूल रूप से जोधपुर रियासत के राजा जोधानाथ का सुपुत्र है मेरा नाम रूपाणी है मैं कभी राजा की रानी होया करती थी मेरे को ऐसे ऐसे दसोठा मिला गात में करनाटा उठा और न्यू सोचा था न्यू की न्यू तो न्यू कहेगी ना अक मैं तेरे बेटे की बहू हो सके है झूठ मान जाएगा तेरी बात मानेगा नहीं न्यू सोच के लालच में आगे को बात करे चुपचाप सहम जाती है और चालन में तैयार होनी कैसे चली संग छत्तर धारी ओ घोड़े करी बात सो सो जाते संसार देखो आगे राजा पाछ बिना गठड़ी उठा ली हर वा धर्म की बेटी जाने का घोड़े पर बैठा ली चली सारी रात सुसरे के साथ ना करी बात सो सो जाके संसार जब भी नन्य मेरा पाटिया के जो जो भी पुरुष ये नाते में तेरा सुसरे घर बहु का नाता शर्म कान का दा अपना की बात करना छोड़गी ना करी बात सो सो जाके संसार चुपचाप बैठी रही और जब नगरी के पास पहुंचे झाड़ बोला हो गया सारी रात सफर में बीत गई तड़के कोई को मानस उठ रहा था वो देखा राजा घोड़े पर वीरबानी बैठा रहा है कौन सर है अंदाजा लाओ नगरी के लोग हो सके थे अरे वो कई साल पहले रानी थे देसोठा दिया था हर राजा शिकार खेलने गया था कि तो जंगल में पागी होगी और फेर मिला तो हो गया इनका मन फेर मिल गया हर उस रानी ने लिया के चर्चा साल की शहर में रंग महल में या होरी जयकार
दूसरा चलिया राजा के पास भी खबर आती, सारा नगर इकट्ठा कर लिया, सबको बताया भाई ये जंगल में मेरे को मिली थी एक दुखिया लड़की, इसका पति इससे बिछड़ गया, अरे जो भी इसने टोक लिया होगा ना वो उसका इनाम दिया जाएगा, भरम तोड़ दिया देश का। क्या कहा सबकी सलाह लई लकड़ हारे नवे पत्तकारे ने उस प्यारे ने इनाम दू कई हजार चली बेचारी रसीना प्यारी थी राज की सारी बुला ली, नौकर चाकर गरीब अमीर सबकी सलाह ली, जो लिया वो लकड़ हारे ने व्यपतकारे ने उस प्यारे ने इनाम दू कोई आजा। और भाव में आ गया राजा ने बोला और सुन लो जो नगद इनाम वो तो सहज है और जो भी ला देगा उसको राज्य का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाएगा, वो उसी के नाम होगा, उसका सब उसका अधिकार उसका शासन उस पर चलेगा, यो भी नाम में दिया जाएगा। क्या लिखा लकड़ हारे में वो करे मर्द का काम, खास रहूं बनतास रहूं लक्ष्मी चंदता के जो ल्यावे लकड़हारी ने करे मर्द का काम, पांच सात दस गांव देऊं और बाकी देऊं इनाम, उके पास रहूं सदा खास रहूं बनदास रहूं लक्ष्मी चंदा बेदा। चारों तरफ मुनादी करवा दी जाती पर लकड़हारे की कोई तलाश कोई कर कल्या नहीं सकया, बहुत कोशिश करी गई, काफी अरसा बीत गया। एक दिन राजा कहते हैं बेटी संदेश भेज दिया बिन्ना के पास, ये लिया तेरी दूसरी शादी कर दूं, तेरे सामने पहाड़ जैसा जीवन पड़ा, ये लाडो तुम चुकर काटेगी। उसने भी संदेश भेजा कि पिताजी मैं एक पति भरता औरत, और देखे पति भरता जीवन में एक बार ही पति चुनती, मैं किस और गहल जा इससे बड़ा ये गोहर पाप है और बिना पाप करेगी नहीं। रहे बेटी ये क्या मजाक, ये कितना अरसा बीत गया, हो सके वो मर गया हो कि तू उसकी बात में बैठी रहेगी। इतने कहने ने पिताजी जबान को लगाम दीजिए, मैं पति वर्ता औरत हूं, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो पर यो नहीं हो सकता वो मर गया हो, जाओ मरे। मनो कर हाँ बैठी नहीं बेरा पाटे, राजा जो दाना धसने लगी आती हो घर बैठी ने या इसी कुण पति वर्ता होगी है जिसने बेरा नहीं उसका पति की जार यार वो उड़ो मर उसने घर बैठी ने मेरा पाटे। पिताजी आप तो ये कहते हो कि मरने क्या बेरा घर लग गए, इसी पति वर्ता इस धरती पर तो ऐसी पति वर्ता हुई जिन अपने मरे पति को भी जिंदा कराया, बोले इसी कौन होगी है। बोले ध्यान से सुनिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, बिना सुनाती है क्या कहता जी करड़ाई ने सजनी हमारे
किशन जी उमरावत गांव से हैं, 100 रुपए और देते हैं, बार बार धन्यवाद। पिताजी करड़ा ही ने सजन हमारे घेर लिए की तो देख के घेरा, ये तो मेरा गीता है कि मरना सके पति। देखिए जिसने मरे पति को जिंदा करा। एक ब्राह्मण के घर में कई लड़की थी। एक दिन ब्राह्मण ने सवाल कर लिया, है बेटी तुम घर में रहती हो, मैं सारा दिन काम करता हूं, किसके भाग तो मौत उड़ा रही हो, किसके भाग तो खा रही हो। कई नहीं बोली, पिताजी आप धर्म का कार्य बाहर संभाले हुए हो, आप कमा के लाते हो, हम तो आपके कर्म से खा रही। एक नहीं बोली, पिताजी गलत बात है, मैं नहीं मानती और मैं अपने कर्म से खाती हूं, तेरी शादी से तो कर दूंगा लुंज इंसान से। छो मां कर लुंज इंसान से ही शादी कर दी, वो उसी लुंज इंसान को अपना भगवान मान के उसकी सेवा में लग जाती है। एक रोज वो लुंजपति जलसा देखने की मेला देखने की इच्छा प्रकट करता, टोकरे में बैठा कर काहड़ बना के ले चाली। वहां मेले में किसी कारणवश रस्ते में मंडप ऋषि सूली पर टंगे हुए थे और वह अपने पति की सेवा में मस्त वो सारी भीड़ को चीरती हुई जा रही थी और वह टोकरे की रगड़ मंडप ऋषि को लागी और उसने कोई ख्याल नहीं और वह रगड़ लागी सूली टाइट होगी, तकलीफ हुई तो मंडप ऋषि वहीं सूली पर टंगे टंगे श्राप देते हैं, नादान लड़की जिस पति की सेवा में तू इतनी पागल इतनी मस्त, तू क्या इन्हें भी नहीं देख रही, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, कल का दिन लगेगा सूर्य उदय होगा, सूरज की किरण इस पर पड़ेंगी, जो उसी टाइम खत्म हो जाएगा, जो मर जाएगा तू रांड हो जाएगी। निमला बेटी ये ब्रह्म वचन, ब्राह्मण का वचन, ऋषि का वचन इस दुनिया में खाली नहीं जाता, के बच्चा होगा दंड करते हैं मरिया होगा। मेरे पिताजी आपकी बात में सच्चाई, ब्रह्म वचन खाली नहीं जाता पर मरता जब जब सूरज लकड़ता की बात, क्या उसी सती ने उसी जगह आसन लगा दिया और अपने सत से 11 रोज बीत गए, उसने सूरज भी नहीं लकड़न दिया, क्या कहानी बनी, क्या दरबार। ब्राह्मण के ओ, ओ एक ब्राह्मण से कई लड़की थी, सवाल किया बतलाओ तुम घर में बैठी मौज करो, बता किसके भाग का खाओ। एक फिर कई बोली, हाँ तेरे भाग का कमा कमा धन लियाओ तुम, एक बोली खा अपने भाग का मत ज्यादा चलसाओ तुम। ब्राह्मण बोला हे बेटी, ब्राह्मण बोला हे बेटी, एक लुंज पति होगा तेरा, ये तो मुझे यकीता है कि मरना सच पति कारण रहा 11
सारी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता। सारे देवता लोग इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, महाराज सारी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ। क्या एक सती पृथ्वी उपनाशन लगाए हुए बैठी, 11 रोज हो गए वह सूरज नहीं लेकिन अंधेरी। सभी देवता लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ ये सूरज तो लेकिन दे, दे सारा हाहाकार मच रहा। निवली सूरज लकड़न दू, मेरे पति को श्राप है, जैसा ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी वो मर जाएगा, मैं रांड हो जाएंगे। ये बताते हैं अपने सच्चे देवता लोगों ने एक रास्ता निकाला कि ऋषि भी मिथ्या ना हो और सती का सत्य भी ना टूटे। सूर्य लिकड़ा उस टाइम उसको मूर्छा दी गई, आशीर्वाद स्वरूप अपने पति को सोन जैसा शरीर करा के ले आई। क्या कहानी बनी, क्या कथा। नजर नहीं आता हाथ जोड़ के ब्रह्मा बोले तुम जन तो लकड़न दे माता सह मैं तन को लकड़न देती मेरा पति जीवता ना पाता। ओ धर्म वचन इस दुनिया के मां हर गिज खाली ना जाता श्राप टाल दिया मूर्छा दे श्राप टाल दिया मूर्छा दे दी कर सवरण के साथ चेहरा ये तो मुझे लगता है के मरना सच पति कर लाई सजन हमारे सती हुई। ये तो एक सती सानली की कथा थी, और भी घड़ियां हुई। कौन सी डाले क्या क्या था? वो दमयंती के सत्य कारण जंगल में कन्नी चमरिया इंद्राणी के खास श्राप से ना हूक सूरज से आन गिरा मेरे पति के लहू पसेगा एक बनिए कह करव दया इब तेरे से अर्ज करी इब तू जाने दे धर्म तेरा लक्ष्मी चंद कह सब कुछ तू है लक्ष्मी चंद सब कुछ तू है मन जान दिया तेरे घर तेरा ये तो मुझे लगता है वरना सकपति मेरा सरदाई न सजन हमारे घेर लिए के सत्य के कारण जंगल में एक नीच मरिया इंद्राणी के खास श्राप से ना हूक स्रोक से आण गिरा मेरे पति के लहू पशे का एक बनिए का दरव धरिया तेरे से तियरज करी से तू जाने दे धर्म तेरा लक्ष्मी चंद के सब कुछ तू ये जान दिया तेरे घर डेरा ये तो मुझे अकीदा है कि मरना से कपति महाराज मैं जंगल से जब आई थी मन तो सब कुछ तू है मान लिया मन अपने मन की व्यथा को बता दिया आगे मर्जी तेरी निवला ब्याह करूंगा दूसरा निवली दूसरा करेगा क्या करूंगा दूसरा करेगा तो मेरी एक शर्त है राजा लोग अपनी पुत्रियों के स्वयंवर करते हैं मेरी भी एक शर्त के सारे केक परवाना लगवा दो एक इश्तिहार छपवा दो एक मुनादी करवा दो क्या भाई जो भी लकड़हारे की कथा सुना होगा
राजा उस नादा राजपाट थे घर अपनी छोरी ब्याह हुआ। ये मुनादी होने लग जाती है, इश्तियार छपने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डाकू एक दिन की सजा रहे, इधर बेल्ला की ड्यूटी ला रखी थी कैदियां खाना पहुंचाने की। अरवा बोरे में जा पहुंची, अरुड़ जाके देखा लकड़ारा पड़ा पड़ा कर आवे। लकड़ारे अंदर बढ़ते पहचान जी ना क्यों आरता उसने कर रखा था। बढ़ते दोनों की नजर मिली और देखते नहीं होला बेला निवली मानस तू कड़ाड़ है तू क्यों करी निवले मैं बेड़ा डाकुआ ने पकड़ रखा उड़ा बेला दरवाजा खोल जा निवली लकड़ जा मेरा तो जीवन बर्बाद हो लिया मैं तीन डाकुआ मरे नहीं सारी उम्र तू अपने प्राण बचा ले साफ हो जाए और संजोग बनता है सुधा जोधपुर रियासत की तरफ भाग लेता है। उसने के बेरा था रास्ता कट जा उड़ा लोग कट्ठे हो रहे मुनादी होने लग रही के वह क्या का चक्कर निवला वह राजा की छोरी का स्वयंवर और जो लकड़ारे की कथा सुना देगा राजा अपनी छोरी ब्याह होगा राधा राजपाट देगा। और वो नहीं सोच रहे तेरा तो बड़ा लकड़ारा था कौन होगा तुम देख लेने के बस सुना के। और वो चालिया जी मिला बात सुन दे रहे उड़े बहू कहते सारे कई जालिए हैं कहानी गलत पाओ है तो जूत भी बहुत मारे हुए लकड़ारा नहीं सोच रहे देख लेने जा गलत पा जाएगी तो बाबू डाकू पिटार दे आजाद राजा पीट लेगा तेरे की इज्जत में फर्क आओ और जा सूत बैठ गया दा बैठ जा तो भाई मौज हो जाएगी सारी बात ना की। सीधा पहुंचा कनात के पीछे बिना बैठी हुई अन्य बिना महाराज मैं भी कथा सुनाना चाहता हूँ क्या भाई सुना वो कथा सुनाता है क्या कहता है माता ने हे जी मेरी माता ने वनवास टोलिया और बेटा जन के दादी गोलिया मेरी माता ने कंगाल की माता ने वनवास मिला हुआ था 8 साल की मेरी उम्र हुई जब माँ भी छोड़ के चली गई मैं लकड़ी तोड़ के गुजारा करना मैंने शुरू कर दिया था अपना जी ला लिया था मैंने जंगल में। एक दिन मैं लकड़ी लेके जा था मेरी गल के बनिया
शादी बिना कंगले के संग ब्याह दीवा 17-18 साल की माता ने साल माता ने बनवा दोलिया बेटा धड़कना दोलिया हो साल का कवर हो गया अमर की गंगा माता ने बनवा दोलिया महाराज मैं लाकड़ी लेके जा था मैंने जबरदस्ती ले गए और जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी और फिर छंदंगण गणे धरिया ना वो भी छुटा यार फिर गंगा नहान गए थे उड़े तो नाश हो आखिरी नंबर पर क्या लिखा मछली सुनने ताल की माता ने बनवार तोलिया बेटा धड़कना तोलिया साल का कवर हो गया अमर की गंगाल की माता ने बनवार तोलिया लक्ष्मी चंद्र है किस्ती देख ऐसी लागी रेख ममेक एक पकड़ लिया एक रही रोंती आंसू तमु रही दहोती चोगर दे तो फिर टोहती जुनू मछली सुनी ताल की 8 साल का कौन रो लिया जब माँ मरगी कंगाल इतनी कहानी सुनाई लकड़ा रे गए हड़की बंद की और टकरा कर रो पड़ा उल्टा बाज लिया सब मौन हो किस नजारे को देखते रह रहे हो किसा कहानी आ रहा और कनात के पीछे तो परवाना खोलने बैठी भी ना सारी तवा कहानी सुनी फिर शक्ल देखी बहाज के लिपटगी कड़े जागा क्या कहती है क्या दर्शा अनमोला और एक पहर की तड़पू थी तू जब तक क्यों ना बोलिया तेरा परवाना
चले ओ पवन चले ओरा दरखत हले पवन चले ओरा दरखत हले डर डर के थर कूथी पाप रूप की गारिया मैं हर गज नागर कूथी चुन सा धर्म पति वरता का उस तैना सर कूथी तू तो मीठी मीठी बात करे मैं तो थम थम के पर कूथी धर्म बिगड़ जा मन न्यू ना घूंघट खोलिया पाटक आवन लग्या हरदा पाटक भर गया आख्या में पानी जंगल के मां छोड़ डगर गया ऊंच नीच ना जानी छाती के मां खटके से तेरी मीठी मीठी वाणी तेरी खुशी में सुन के न मन बात गई थी जानी हो हो पति के गल में हाथ के रखे पति के गल में हाथ के उन्हें दूर भगा दिया ओला फकर रात जन पति हमारे फकर रात जन हमारे मन में करते होंगे मन टोहन की खातर बन में रोज बिचरते होंगे कदे एकली की जान लकड़ जा न्यू भी डरते होंगे और कौन करे खाने पीने की न्यू ये भूखे मरते होंगे हो तेरे फकर में मन दिखा तका तेरे फकर में मन दिखा यो भूख बना लिया कोला साजन आंसू पूछन लगे साजन आंसू पूछन लगे भर के आ
आनंद काया मैं पतिव्रता का धर्म जान के लौट गई पाया मैं बहुत सी वीर धर्म ना जाने नुए फूले धन माया मैं और गुरु मान संग धर्म करे दिन कुण रहे छतर छाया मैं चंदक है मुश्किल मिलता लक्ष्मी चंदक मुश्किल मिलता और पीर मरद का चोला जाती लकड़ा हरिन देखा होए होए के तो रो था के तो दुख के आंसू देर के खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं जब एकदम बिना को देखा हरनी बोला बिना मैं थोड़ा डाकवांग हथियार आधा रोज बकलता रहे खान पीन में ईसा मिल था मेरे गात का था क्यों होया सो होया तेरे गात का भी जोड़ा क्या तो तू तो राजा के थी अड़े के फिक्र रात दिन पिया जी ने मन में करते होंगे मन टोन की खातिर बन में खूब बेचरते होंगे कदे अकली की जान लेकर जानियो भी डरते होंगे कौन कर खाने पीने की भूखे मरते होंगे मैं दिन रात सोचूं थी और साची बताऊं मेरा नाश क्या तो होया क्या तो है अक्तरे फकर में मन भी गात का फूक बना लिया कोला एक पहर की तड़फों दी जब तक क्यों ना बोली हाथ पकड़ कर निभला फिर चाय कड़े दशम आलंगे कुटिया नर लाला जी भी सो मारे होगा उड़ लाकड़ी गिरनी से और उसका धनमाया भी धरी ने फूक देने लाला की धनमाया ना सारी तेरी के वो परवाना राजा जोधनाथ के सामने पेश किया जाता है वो ताबीज था यहाँ सारा परिवार मिल जाता है यहाँ एक कथा समाप्त होती है इतने प्रेम से गाना सुना सभी का धन्यवाद है बोलो श्री गौ माता की जय हो।